ओके सो हियर गोस। अच्छा जी, सो हमने करना ये है कि हमने पेमेंट का चैप्टर स्टार्ट करना है, बट बिफोर वी स्टार्ट द पेमेंट का चैप्टर, आर वी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर? ये जो तीन स्टेप्स हमने बताए हैं, यस सर। ओके, लेट्स लुक एट दिस जस्ट वन मोर टाइम। देखिए जी, तीन सिस्टम जो इस पर्टिकुलर केस में आइडेंटिफाई किए थे। पहला सिस्टम था अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को इस्तेमाल करने से हम इसलिए कतराते हैं, एक तो वजह हमारे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, दूसरी ज्यादा बड़ी वजह है क्रेडिट कार्ड का सिस्टम स्लो है। पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता क्रेडिट कार्ड का सिस्टम काम कैसे करता है। क्रेडिट कार्ड के सिस्टम की एक एनालॉजी कुछ इस तरीके से कि लेट्स से ताहा ने मुझे घर पे इनवाइट किया, अभी करने को नहीं बोल रहा वैसे क्या, ताहा ने मुझे घर पे इनवाइट किया, मैं ताहा के घर पे गया, ताहा ने कहा सर ऐसा है वो क्या पता है घर में ना मैं कोल्ड ड्रिंक लाना भूल गया, अब आप कह रहे हैं आपको पीनी है पिज्जा के साथ, आप जाके ले आए। मैं दुकान पे जा रहा था तो मैंने कहा वो मतलब पैसे मेजबान तो आप हैं, अरे सर वो ना मतलब वो पैसे नहीं है, ऐसा करें दुकान वाले को मेरा नाम ले दिया दे देगा They are recognized all over the world. Visa zyada hota hai, master relatively kam hai, thoda sa kam hai, although dono recognized hai. It is because of the thappa by these people ke aapke card ki worth hoti hai. Just because you take an alfala ke bank ka credit card and you go somewhere or in America or go on Amazon and try and pay, it's not gonna be paid because it's a credit card by alfala. Amazon says, I don't even know what the hell is alfala. I don't even know what it means. Some Arab guy told me it means goodness. You know, good for people. But you know what? There's this nice little symbol on it, says Visa. That I know. Because Visa is someone that everybody recognizes. So because it says Visa, I'll accept this. So essentially, credit card is tarah kaam karta hai. To get a credit card system rolling, what happens is first cheez hoti hai issuer ka bank. Issuing bank kya hota hai? Wo bank hota hai jisne aapko credit card issue kiya hai. To card holder ka bank issuing bank hota hai. उस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट के बाद और उस बैंक की क्रेडिट कार्ड सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसने वीजा से अपनी वेरियस वेरिफिकेशन और चीजें करा दी हैं। वीजा ने उनको गारंटी दी, हाँ जी सॉलिड बैंक क्या हम आपके ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि आपके स्टेट बैंक ने आपके बारे में वाउच किया है, पूरी डिटेल्स हमें मिल गई है, तो आज से आप क्रेडिट कार्ड अपना बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उस पर हमारा ठप्पा लगेगा, हमारी गारंटी है। अब ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जिसको वो क्रेडिट कार्ड देते हैं उसकी वैल्यूएशन वो करता है। अगर ताहा जो दुकान वाले को बोलता है मेरा एक भतीजा है वो भी जब लेने के लिए आया उसका ये नाम होगा ये हुलिया होगा उसको दे देना मेरी गारंटी पे, तो दुकान वाला उस बच्चे की गारंटी पे नहीं देगा, वो ताहा की गारंटी पे देगा। उसने मुझे जब दिया तो इसलिए दिया क्योंकि वो ताहा को जानता है, दुकान वाला मुझे तो जानता ही नहीं था, और इसीलिए दूसरी दुकान पे मेरी पिटाई हो गई क्योंकि वहां जो ताहा था उधार पे बैठा हुआ था, राइट? सो हिज नेम वाज ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस प्लेस। तो वही चीज यहां पे, इशूइंग बैंक गिव्स यू अ क्रेडिट कार्ड, यू आर द कार्ड होल्डर। नाउ लेट्स से यू वांट टू मेक अ परचेस, let's say you go online, you want to make a purchase with a credit card. What happens is you go in, you plug in your number, your credit card number. Whoever you're trying to pay, wo pehle aapne add to cart kiya hai. Wo aapke paas add to cart ka jo process hai, wo hi hota hai jaisa aapne apni shopping cart mein rakha hai. Aur yahan par it is also related to a lot of calculations, delivery charges, cheeze wo calculate. It's a mathematical process going on in the background. Plus the coordination with the payment gateway, which is going to be your bank and then your bank with the Visa. ठीक है, अब आपने जैसी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली उसको चेकआउट किया, इमीडिएटली रिक्वेस्ट की कि ये भाईजान है जो हमसे ये पतलून खरीद रहे हैं और उनका ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, क्या आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं? मैंने कहा हाँ जी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर उसने दूसरे सवाल किया, रिकॉग्नाइज तो करते हो, ये तो बता दो कि इसको देना है उधार के नहीं देना है, उल्टा रख के तो नहीं बैठा, पता चला ये और मांग रहा है, इसकी तो कान नहीं मरोड़ लो। बायर का बैंक से कम्युनिकेट किया जा रहा है ना कि इसको अलाउड है भी या नहीं, इसका क्रेडिट कार्ड वैलिड है भी या नहीं, तो उसने कहा कि भाई ये तो मैंने चेक कर लिया, इसकी मेरे पास तो गारंटीज है, ये भी चेक कर लूँ इसका क्रेडिट कार्ड भी वैलिड है, वीजा का उसके पास डेटाबेस से कनेक्ट किया, उसने हाँ सॉलिड है, ये कार्ड भी रियल है, कोई मसला नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी है और इसकी अभी लिमिट बाकी है। अब उसने दोबारा कस्टमर से पूछा, भाईजान आपके इतने पैसे कट रहे हैं इसके, मैं दे रहा हूँ उसको, दे दूँ? हाँ जी दे दो, सॉलिड एक्सेप्टेड।
अब उसी लम्हे उस बैंक ने आपके इशूइंग बैंक ने एक्वायरिंग बैंक को, एक्वायरिंग बैंक कौन है, एक्वायरिंग बैंक इज द बैंक ऑफ द मर्चेंट, उसके अकाउंट के अंदर अपनी तरफ से ट्रांसफर कर दिए। तो इस वक्त आपके बैंक ने आपकी तरफ से क्रेडिट दिया है, आपकी तरफ से उधार दे दिया है कि भाई आपका मेरा उधार चल रहा है, आपकी तरफ से मैंने दे दिया। बिल्कुल वही एग्जांपल एनालॉजी ताहा वाली कि ताहा के नाम पर मुझे उस दुकान वाले ने कोक की बोतल दे दी है कि कल को जब आप जब घर चले जाएंगे अपने, ताहा मेरे पास कुछ खरीदने आएगा, अंडे डबल रोटी लेने, तो मैं उसको बोलूंगा ताहा आपके नाम पे एक भाईजान जो है वो कोक की बोतल लेके गए थे, उसके पैसे दीजिए मुझे। अब वो ये जिम्मेदार है, लेकिन इसने ये क्रॉस चेक तो किया मैं वो पैसे लेके भागूंगा नहीं, ठीक है, एटलीस्ट उसकी उम्मीद यही है, मैं भाग जाऊंगा तो फिर मुझसे डबल चार्ज करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसी होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, एक दिन भी डिले होता है कंपाउंड होना स्टार्ट होता है। एनीवेज, सो उस क्रेडिट कार्ड से वो पैसे गए, लेकिन टेक्निकली जो पैसे मैं अपने बैंक को पे करूंगा, बैंक अभी भी उधार मकरू, मैं बैंक का मकरूज हो गया, बैंक ने तो पे कर दिया मेरे ब्याज, उसको मिल भी जाएंगे, इसलिए उसने मुझसे साइन कराई होती है कि हाँ आपने पे किया, उसकी वो वर्थ नहीं है क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली लॉक्ड है, वो पेपर के ऊपर जब होती है आप पेट्रोल भरवाते हैं कहीं खरीदते हैं। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ अ मंथ एक बिल आएगा, वो मैं बिल पे करूंगा, फिर मेरे बैंक को मिलेगा। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रोसेस इसलिए लंबा है, द क्रेडिट कार्ड प्रोसेस रिक्वायर्स टू मेनी एलिमेंट्स, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर टू हाई एंड नॉट एवरीवन हैज अ क्रेडिट कार्ड एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड, लंबा नहीं डेटा तो फास्ट है, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं जो आपकी क्लियरेंस है, जो आपकी कंप्लीट जो 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 सेटलमेंट है, राइट वर्ड इज सेटलमेंट, द कंप्लीट सेटलमेंट हैपेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एंड देयरफॉर इट टेक्स टू लॉन्ग, सो मेनी पीपल डोंट लाइक यूजिंग इट। Plus the fact that the scenario is a lot more problematic for digital content. किताब खरीदनी online, आप credit card detail डाल रहे हैं, फिर वही महीने के बाद payment हो रही है, छोटी payment है, ठीक है, कोई game के अंदर आपने कुछ चीज़ें खरीदनी, micro payment, वो मुश्किल हो रही है। Online किसी ने आपकी help की, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा thank you isn't enough, थोड़े से पैसे pay करूँगा, आप बहुत छोटा amount pay करना चाह रहे हैं, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि transaction cost is higher than the actual cost of that thing. So बहुत सारे scenario वैसे credit card पसंद नहीं किया जाता। दूसरा जो केस में लिखा हुआ था वो मेथड एक और था, वो कह रहा था थर्ड पार्टी मेथड, उसमें सिर्फ ये फर्क था कि अब दोनों के पास अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मर्चेंट भी कहता है कि मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं थर्ड पार्टी को यूज करता हूँ जो मेरी पेमेंट्स को प्रोसेस करेगा। करना ये हुआ कि अब जब भी कोई शख्स मुझसे कोई चीज खरीदेगा तो टेक्निकली स्पीकिंग उस केस में कुछ वर्ड्स थे, इट विल बी एज इफ कि उस थर्ड पार्टी ने इस सेल को परचेज कर लिया। जिस तरह होगा मैं गया ऑनलाइन, मैंने फिर वही पतलून खरीदी थी, मर्चेंट के पास अपना कोई बैंक अकाउंट हुआ, उसने क्रेडिट कार्ड के साथ कोई कर नहीं रखा हुआ, आपने जैसी पेमेंट की मर्चेंट ने कहा भाई देखिए ये पेमेंट का काम स्टार्ट हो रहा है, ये करेंगे थर्ड पार्टी करेगी, थर्ड पार्टी ने कहा ठीक है जी आप बताएं मुझे, फिर उसने कहा कि भाई ये बंदा है मुझसे चीज ले रहा है, इसका क्रेडिट कार्ड चेक कर लो, इसका सब कुछ कर लो और पैसे रिसीव कर लो, ठीक है जी, चेक में किया उसकी बैंक के साथ उसने कम्युनिकेट किया बिल्कुल इसी तरीके से और उसको करके दे दिया, हाँ जी चेक हो गया है सब कुछ सॉलिड है, पैसे मैंने ले लिए हैं इसको चीज दे दो, पैसे मैंने ले लिए थर्ड पार्टी मर्चेंट नहीं लिए, मैंने ले लिया इसको दे दो। अब आपके मर्चेंट को पैसे मिलेंगे तो मर्चेंट को उसी वक्त पैसे नहीं मिलते, मर्चेंट को एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन दिन बाद बैचेस में दिए जाते हैं क्योंकि इकट्ठे बहुत सारी ट्रांजेक्शन इकट्ठे। आपको क्या इसका फायदा क्या है, बहुत सारी तकलीफों से मर्चेंट बच जाता है, कम्युनिकेशन की चीजों की उसकी फी भी होती है बहुत सारी, तो उस झंझट से बचना है। अगेन लेकिन स्टिल प्रोसेस इज रिलेटिवली स्लो एंड फॉर डिजिटल मीडिया एंड व्हाई दैट आई मीन डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज दिस स्टिल डजंट वर्क दैट वेल, इफ आई जस्ट वांट टू बाय अ सॉन्ग दिस इज टू लॉन्ग अ प्रोसेस फॉर एवरीवन टू बी फाइनली सेटल्ड विद द मनी। प्लस इसमें एक और एक इशू ये फर्स्ट करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन था किसी वजह से लूप आया, कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, थर्ड पार्टी आएगा भाईजान मैंने चेक किया था सब कुछ सॉलिड था, अब पता चल रहा है कि इसकी पेमेंट में गड़बड़ है, चीज लेके भाग गया, आप भुगतते हैं आपका काम जाने, वहां से वो कहेगा वो भाईजान मेरा क्या कसूर है, मैंने तो तुम्हें चेक करने के लिए कहा था, तुम कह रहे हो उसका कार्ड जाली था या चोरी का कार्ड था या जो भी मसला था, मैं क्यों भुगतूं, मैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को सू करूं, वो कह रहा आप करें वो मैं नहीं कर रहा, वो नहीं भुगतेगा, थर्ड पार्टी की गलती तो नहीं, थर्ड पार्टी कह रहा है मुझे, मैंने ये तो चेक किया कि ये सही है या नहीं है, सही तो था लेकिन ये अब तुम्हें बाद में पता चल रहा है कि एक्चुअली जाली कार्ड था, लेट से थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आई, चलो वो भी हो गया, लेट से चोरी का कार्ड था किसी और का लेके किसी ने इस्तेमाल किया था, वो तो वेरीफाई भी हो गया, कार्ड भी वेरीफाई हो गया, साइन भी जाली हो गई, सब कुछ भाई किसी को क्या पता किसके नाम से क्या इस्तेमाल कर रहा है, लेट से वट एवर, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट टू डू द होल सीयूइंग प्रोसेस, कि यार क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी का इंश्योरेंस होती है इसी चीज की कि अगर आपके कार्ड चोरी हो जाए जब कोई और मिसयूज करता है तो सर्टन अमाउंट तक जो होता है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी भुगतती है, आपको नहीं भुगतना होता, जैसे मेरा अगर कार्ड फलाना से चोरी हो जाता है और कोई मिसयूज करता है मैं कहूंगा सर जी इस दौरान में मेरे पास कार्ड नहीं था, मैंने दो घंटे बाद बताया इस वक्त मेरे पास कार्ड नहीं है, जो भी हो रही है ट्रांजेक्शन या तो उसको रोक दो, रोकी नहीं है तो आई एम सॉरी अब आप भुगतेंगे, सर्टन एक आपके पास क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड के अंदर रोल बैक हो जाते हैं ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड में नहीं होते, और इसी बात पे हमें नेक्स्ट आ रहे हैं, सो नाउ व्हेन वी लुक एट द चैप्टर, डेबिट कार्ड में भी तो वीजा होता है, डेबिट कार्ड
हाँ डेबिट में वो उसी पा उसी पा एक सॉरी तीसरा और रह गया तीसरा पेपैल उन्होंने पहली बहुत अच्छा समझा दिया तो फिर एक दफा एलैबोरेट करते थे पेपैल का या पी टू पी करना या स्क्रिल का इस्तेमाल स्क्रिल पाकिस्तान में अप्लाई होता है पेपैल नहीं होता ठीक है उसकी कुछ वजूहत ये कि पेपैल जो रिक्वायर करता है लॉस की रिजिडिटी और जो लॉस क्लियरली डिस्क्रीटली कंक्रीटली लिखे हुए हो वो पाकिस्तान के साइबर लॉ में नहीं लिखे हुए हमारे साइबर लॉ जो है लिखे हुए तो हैं लेकिन वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं पेपैल कहता है ये चीजें सॉलिडली एक्सप्लेन करो ये गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेदार है ये होगा तो मैं कौन सी कोर्ट में जाऊंगा किसको सुगर होगा कह रहे हैं मुझे पता है तुम्हारे मुल्क में तो 10-10 साल तक केस लटका रहता है एक छोटी सी चीज का मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पेपैल पाकिस्तान में नहीं है वो उल्टे तरीके से होता है वो ऐसा होता है जैसे बाजी अमेरिका में बाजी मेरी सगी बहन है मैं कहूंगा तुम अपना अकाउंट खोल लो पेपैल में और मैं तुम्हारे अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करता हूँ ये होता है वो इसी तरह से वो चार्जेस लगा रहे हैं वो ये कहते हैं हमारा पेपैल का अकाउंट है वो एक और वो पेपैल की भी थर्ड पार्टी बन गए वो ये कह रहा है मेरा पेपैल का अकाउंट है मैं करके दे रहा हूँ उस चीज को ये ऐसे ही मैं बोलूँ भाजी मेरे पास गाड़ी है मेरी गाड़ी फारे है आपको कोई चीज चाहिए बाजार से 100 रुपये लूंगा हर डिलीवरी की आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो जो परचून की दुकान है वो डिलीवरी सर्विस दे रही नहीं ये कोई शख्स है जो आके कह रहा है मैं आपका सामान ला दूंगा 100 रुपये लूंगा देर ऑफरिंग दे सर्विस देर ओपन अप अ पेपैल अकाउंट दे यूजिंग देयर पेपैल अकाउंट टू मेक योर ट्रांजेक्शन चार्जिंग यू मनी So this has nothing to do with PayPal being here. There is not. If I ask you, can you make your PayPal account here and use it in Pakistan? You can't. Not under your name, you can't. Yes. I'm saying that if our business, which we have made, नहीं होता. नहीं. One of the services that I've used myself that works here, which is exactly like PayPal, but it does not have as much acceptability in the world as PayPal does, is Skrill. Skrill का पुराना नाम था Money Bookers. ठीक है उसका लिंक भी दिया हुआ मैंने आपको उसकी मैंने पेमेंट की थी ऑनलाइन टेस्टिंग का रिसर्च रिलेटेड काम था मेरा तो ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाने थे उसके जो रिस्पॉन्सेज थे उसके वो चार्जेस ले रहे थे जितने लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उतने के चार्जेस होंगे वैसे उस पर पूरा टेस्ट बना के वो फ्री था तो उसके केस में मैंने ऐसे किया था स्क्रिल पे इस तरह होता है आप स्क्रिल पे अपना अकाउंट बनाते उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मेरा ये बैंक अकाउंट है जिसको मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कहना ठीक है उसके बाद स्टेप ये होता है कि उस बैंक अकाउंट में से सर्टन अमाउंट आप डेबिट करते हैं स्क्रिल की सिक्योरिटी कुछ इस तरीके से होती है वो सबसे पहले कहता है अच्छा ठीक है इस बैंक अकाउंट को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है ये अमाउंट करना है मैं एक बहुत छोटा सा काम करूंगा मैं आपको $1 to $3 के दरमियान एक अमाउंट डेबिट करूंगा आपसे लूंगा और इसमें डालूंगा वो जितना अमाउंट हो ना मुझे वो लिख के बता दीजिएगा क्योंकि उसका SMS आएगा आपके पास या आप अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप किसी और का कार्ड चोरी करके काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे उसी को पता होगा ना उसके फोन पे पता चलेगा या SMS आएगा या ईमेल आएगा तो वो इस तरीके से एक तरह से जैसे नहीं हम ईमेल में सीक्रेट कोड होता है वही का वही प्रोसेस बस वो हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं अब बताओ कितना अमाउंट अपने बैंक में से उठा के स्क्रिल में डालना है जैसे अभी मैंने ताह वाले एग्जांपल में हमने 50,000 रुपये मूव किए थे बैंक से तो मैंने कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में से उठा के अपने स्क्रिल अकाउंट में डाल लिए अब उस स्क्रिल अकाउंट के थ्रू जहां भी स्क्रिल एक्सेप्टेबल है वहां पे मैं पे कर सकता हूं That's what I do. But that requires another person to have a Skrill account too. This is faster. Why? Because no banks are directly now Skrill to Skrill payment. The money will move from my Skrill account to that person's Skrill account and from their Skrill account to the bank. Allah Allah. Also, the debit card process was a verification. Kaun sa wala? Haan, wo verification. That was just for verification. That's only one time. Once it's connected, that's it. Don't need it again. Okay? So now let's look at what the chapter says. Now the chapter says that generally speaking, there are 3 to 4 different kinds of payment methods. The first one is cash. And cash is very, very simple. In a sense, the cash is based on liquid. Right? It is the most simplest form. Directly transfer ho jata hai. It is liquid because immediately accept ho jata hai. But what exactly is cash? Cash is nothing more than a promise by a government that this piece of paper holds this much value. Urdu mein bhi likhi hui hoti thi. The government of Pakistan is baaki guarantee de rahi ki iski ye worth hai jo us pe likhi hui. That's it. Aaj purana khasta government of Pakistan kuch ho jata hai, us kagaz ke tukde ki itni bhi worth nahi ki usse to naak pocho kyunki wo naak chil jayegi usse sakht hota hai. ठीक है इट हैज नो वर्ड अफगानिस्तान के अंदर जब वॉर चल रही थी तो उसकी उसके करेंसी आई फॉरगॉट इट्स करेंसी उसकी करेंसी की वर्थ सिर्फ इतनी थी कि उसको आग लगा के तो उससे हाथ गर्म कर सको ये वर्थ थी उसकी ठीक है दैट इज एग्जैक्टली व्हाई अ डॉलर मे बी एक्सेप्टेड इन द मिडल ऑफ अफ्रीका बट अ पाकिस्तानी रूपी वोंट बिकॉज दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज मोर क्रेडिबल देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदरवाइज इट्स जस्ट अ करेंसी इफ आई गिव हिम 10,000 रुपीज इट शुड बी इक्विवेलेंट टू $100 टेक्निकली स्पीकिंग राउंड अबाउट राइट But that doesn't happen. So cash advantage ye hai ki it is liquid. It can immediately be accepted by anyone. The second advantage is you don't need some kind of identification to use it. Right? All I need is that piece of paper. That particular piece of paper. PK dekhi hai logon ne? Gandhi ki photo se paise nahi hote. Paise jab hote hai jab wo photo kisi khas kagaz pe hoti hai.
So, yahan pe bhi wahi baat hai. I don't need any identification. I don't need to show that I'm an Indian to be able to use a particular Indian rupee, right? I can use it anywhere in the world. I don't need to be me to use it. If my 100 rupee gets dropped on the floor, I can pick it up. And if he's not honest, he can use my 100 rupee because, or maybe he doesn't even know it was mine. So, us rupee pe ye nahi likha ke kiska hai. So, anonymity aati hai. Plus, it cannot be tracked or traced. When you use cash, there is no record ke who was the person who used. I give cash, I take something. Khatam. That is exactly why you hear in the movies where the good guy is running from the government and they don't want it to be tracked. They say, use cash. Okay? Use cash. That's exactly why they do it. So anyway, so wo kya hai ke, okay, use cash. That's exactly what happened because of the anonymity. So the advantages are it can be needed to be transferred. You don't need to have identification. It can be used by anyone and its acceptability is much higher. Now let's look at the next one, which is credit cards. We already talked about the fact that credit cards require you to have a bank account. Plus, it will require you to have a lot of details loaned to the bank. The bank will know every single transaction. It will be recorded. You need to have a bank account. You need to have identification. Right? Then credit card, udhar matlab wo ek musibat. Plus the fact, obviously, is my interest being borrowed, a religious issue aside, the problem is you have to pay more than you have borrowed. That's how the system is. Credit card ko debit kyun nahi hai? Main bhai aa raha hu. So ye ho gaya masla credit card ka. But credit card mein ek aur ek problem hai. Because of its very nature, you have to pay later. Human psychology says, oh, sahi kharch karo. धमा धम लोग खर्च करते हैं, उसके बाद जब बिल आता है सब पकड़ के बैठ जाते हैं. हमारी कॉम को फिर भी अकाल है, हम कम करते हैं, अमरीकी बहुत करते हैं. एक क्रेडिट कार्ड से बाकी चार का बिल पे कर रहे हैं. एंड द साइकिल इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन. देयर दैट हॉरिबल विद इट. दिस इज एन एडवांटेज विद अ डेबिट कार्ड. द नेचर ऑफ अ क्रेडिट कार्ड इज यू पे लेटर. द नेचर ऑफ अ डेबिट कार्ड इज यू पे ओनली फ्रॉम वॉट यू हैव. अ डेबिट कार्ड इज नथिंग मोर देन अ रिप्रेजेंटेशन, अ प्लास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर करंटली स्टोर्ड वैल्यू. एंड As for her question, she says, but debit bhi to Visa or Master hote hain. Bilkul hote hain. Visa and Master give them the ability to be accessible anywhere and be charged just like a credit card. Only difference is that in the case of a credit card, you pay at the end of the month, but in the case of a debit card, it is immediately deducted from your account. Hence the term debit card. Okay? Now, there is a problem with that. In Pakistan, why is that not so common? Why don't we do this so commonly? Because of the pathetic infrastructure we have. Often enough, wo double ya to charge ho jata hai. चार्ज नहीं होता. अब बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शंस, दे कैन नॉट बी रोल्ड बैक. व्हाट हैपेंस इज यू गो टू द बैंक एंड यू फिल अप अ फॉर्म एंड से कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये पैसे दो दफा चार्ज हुए, ये 840 रुपए एक दफा 40 इसने चार्ज करने थे, चूंकि इसने दो दफा स्वाइप कर दिया, मशीन में कोई गड़बड़ थी, उस बेवकूफ को नहीं आया, ये दो दफा चार्ज हो गए मेरे ऊपर, मेरे 840 रुपए वापस करो. फिर बैंक कहता है अच्छा हम देखेंगे अपने रिकॉर्ड्स, फिर हम देखेंगे, फिर वो आपके अकाउंट में वापस आएंगे पैसे. बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड, ये सेकंडों का खेल होता है, बल्कि वो खुद ही रिवर्स कर देता है अगर वो सही तरह ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. क्या कह रही हो? वो भी इसमें शामिल है. तो प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है. ठीक है, उसका जो रिकंसिलिएशन का इशू है ना, वो पूरा फॉर्म भरता है जिसमें आप कंप्लेन डाल सकते हैं. That is not a weakness of the debit card system. The weakness कि गिराना मत. ठीक है, Google से बंदा गिरा चुका है, वो खराब कर चुका है. मैं उसी पे आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ. Why do we not use it in Pakistan? Again एक झिझक होती है. अब इसने डबल चार्ज कर दिया तो फिर वही ख्वारी, फिर मुझे जाना पड़ेगा. लोग क्रेडिट कार्ड देते हुए डरते हैं मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी कर लेगा. The issue is not with the system. The issue is the way the system is implemented in Pakistan. If something hanky panky happens, Which court do I go to complain? Who do I go to complain? या तो एक दुकान वाले से खरीदी हुई शर्ट के अंदर दो दिन के बाद प्रॉब्लम निकलता है, उसके बाद लड़ने जाते हो, वो आपकी शक्ल नहीं पहचानता है. तो लेट अलोन द फैक्ट दैट देयर इज अ फाइनेंशियल इशू विद देयर सिस्टम. एक बहुत आसान सी, ये लिंक डाउन है सर, लिंक डाउन है. अबे किस किस्म के बेवकूफ़ों, बाहर लिख के लगाया क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड लिंक डाउन है, पागल पागल हो. तो मेरे घर के पास जो मैक्रो है, मैक्रो मेट्रो जो है, उसके पड़ोस में, आई किड यू नॉट, लिटरली पड़ोस में PTCL का एक्सचेंज है, शाह फैसल का. ठीक है, मैं मलीर में रहता हूँ, शाह फैसल का एक्सचेंज है वहाँ पे. हम मैंने अम्मी ने पूरी शॉपिंग कर ली, तो गोश्त कटवाया, तो सारा क्या सब्जियाँ वहाँ पे खड़े थे, वो क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, लिंक डाउन. जूता उतार के बांटने का दिल चाह रहा था, मैंने कहा कब्जे बैठ गए, तार हिल गया, क्या हो गया, बराबर में एक्सचेंज है, यू कांट गेट वन डैम थिंग वर्किंग. जब हमने पूरा सामान ले लिया है इस एक्सपेक्टेशन में कि हो जाएगा, कैश निकालना पड़ता वरना में, और डेबिट कार्ड लाए नहीं है, और घर से जाके लाना पड़ेगा अभी. ठीक है, घर करीब है, लेकिन यू वेस्ट का टाइम. या तो बाहर ही लिख के लगाते थे कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्रेडिट कार्ड नॉट वर्किंग टुडे.
बातें नहीं किया या एक और जगह था होते हुए देखा था गवर्नमेंट मॉल क्लिफ्टन के अंदर एक पर्टिकुलर शॉप थी वहां पे लोग इस बात पे गुस्सा हो रहे थे कि उनकी स्टूपिड मास्टर कार्ड वाली मशीन नहीं चल रही थी वीजा चल रही थी वो ज्वेलरी की सेल थी एंड दोज आंटीज वर रियली एंग्री बिकॉज दैट वाज अ सेल एंड एवरीबॉडी वांटेड दैट बट वो तो आई एम सो लकी आई कुड रिलेट तो वो दिस पीसेस ऑफ आइटम एक और आंटी तो इतनी खुश हुई थी यस लॉन्ग लिव वीजा क्योंकि दिस अदर आंटी वांटेड इट एंड शी केम अर्लियर बट हर मास्टर कार्ड वाज नॉट सो द अदर वन वाज लकी वीजा जिंदाबाद ठीक है सो दिस इज जस्ट हाउ बैड इट इज तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है इट्स नॉट द सिस्टम दैट आर बैड इट्स द वे दे आर इंप्लीमेंटेड सो देयर आर इश्यूज देयर फिर हमारे पास आता है चेक का चेक में भी यही प्रॉब्लम है कि चेक एक से दो दिन क्लियरेंस में एक एग्जांपल दूं मैं आपको हमारी जैसे कहते हैं ना सर्विसेज के फर्क में मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बहुत दफा मैं वॉक इन कस्टमर की बात कर रहा हूँ बहुत दफा एक बंदे को लाहौर में पैसे भेजता हूँ जो मेरे लिए जैसे आपने भी बताया अमेजोन से सामान मंगा के देता है क्योंकि वो अमेजोन प्राइम का मेंबर है So he, I give him links and he, you know, tells me how much he will charge for them. Sometimes 1,000 rupees upar, sometimes 2,000 rupees upar, whatever they are, the prices in dollars, usse 1,000-2,000 rupees upar. Wo mujhe America se manga ke, phir Lahore se yahan tak ki total cost bata deta hai. Theek hai? Jo ki bahut reasonable hoti hai. As a positive example, do Chromecast, which is a device that allows your cell phone signals to be shown to on a television, costs $35. Abhi $30 pe chal raha hai. In Pakistan, if you buy from a shop, it will cost you 7,000. This guy charged me 4,400. We're from America to Lahore to Karachi. Nice enough, right? So, अब इस बंदे ने मुझसे कहा कि इसके मुझे पैसे पे कर दो मैंने कहा ठीक है कैसे करूँ उसने कहा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पे कर दो मैंने कहा ठीक है कैसे करूँ कुछ नहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे करूँ अब मैं गया मेरे पास तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट ही नहीं है मैं तो उस पर जाकर खड़ा हुआ काउंटर पर मैंने सर ये मुझे डिपॉजिट करने बट आई एम अ वॉक इन कस्टमर हाँ मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक होल्डर नहीं हूँ मैं कैश लाया हूँ पे करने आपके पास NIC है मैं हाँ है फोटोकॉपी नहीं है कैसी बातें कर रहे हो मैंने क्या मतलब मैंने कहा नहीं है मैं समझा वो मुझे गुस्सा हो रहा है ना क्या मतलब सर फोटोकॉपी हमारे पास है आपके पास NIC है ये बड़ा अच्छा बैंक है निकाल के दिया 20-25,000 रुपये तो मेरे भी एक और दोस्ती भी तो सारे डॉलर में पेमेंट थी तो ऊपर तक पहुँच गए 3-4 लोगों का सामान बहुत छोटा छोटा सामान यहाँ नहीं मिलता टैबलेट का कवर तार ऐसी चीज़ें तो मैंने उसको बोला अच्छा भाई ये ले लीजिए उसने मेरा फोटोकॉपी करा मैंने लिख के दिया मैंने उसको कैश दिया उसे काउंट किए वो पूरा भी नहीं भरा था उसने 2-3 डिटेल और लिंक नंबर कन्फर्म किया स्टैंप लगाया पेपर दे दिया मैं ठहरा जाहिल फजूल बैंकों में गया कब तक हो जाएगा डिपॉजिट उसी वक्त मेरा ये फ़ोन टिंग टिंग ट्रिंग बजा तो मैं निकालने वाला उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं डिपॉजिट कब होगा इट्स ऑलरेडी डन मैंने ओपन अप माय मैसेज इट वाज दैट गाइस मैसेज आई रिसीव द मनी थैंक्स ब्रिलियंट आई वाज सो हैप्पी एंड आई डिड दिस मल्टीपल टाइम्स स्टिल नॉट अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होल्डर बट आई लव देयर सर्विस आई हाईली रिकमेंड देम एनीवेज नाउ ये सारा कुछ होने के बाद One fine day, my sister says she has to make some kind of payment to someone in, I don't know, पता नहीं कोई छोटा सा कोई शहर था भावलपुर वगैरह भी इससे मिलता हुआ नाम था पर कोई बहुत ही छोटा शहर था even smaller than that. Bahawalnagar. Ah yes, thank you. So it was that city and I was like, we have to make this payment. कहाँ करनी है ये HBL का account. ज़ाहिर HBL जाना पड़ेगा. I was like, yeah, standard chartered क्यों नहीं है. चलिए HBL, चलो कोई बात नहीं. वहाँ तो मेरा account भी है. लेकिन ये तो वॉक इन करके पैसे पे करने बहुत छोटा सा अमाउंट था कहाँ तो ये 20-25,000 रुपये थे और एक दफा 20-25 के करीब थे एक दफा 15 थे 10 थे स्टैंड चार्ट अभी फिर देकर आया तकरीबन 11-11.5 सा वो भी हो गए फॉर ठीक है इनफैक्ट उसमें कुछ शॉर्ट पड़े उस बंदे को बाद में उसने कहा उसकी प्राइस चेंज में शॉर्ट पड़े तो मैंने अब्बू से ऑनलाइन करवाया उनका स्टैंड चार्ट अकाउंट उन्हें अपने लैपटॉप पे घर से बैठे बैठे 1600 रुपये एक्स्ट्रा वो भी पे अब सोचिए एक्सपीरियंस एट HBL सो आई वॉक इन टू दिस मोहल्ले की बैंक HBL जहाँ पे मेरा अकाउंट भी है और मैंने उनसे कहा कि सर हमें ये 800 रुपये पे करने भावल लग गए 800 थे पता नहीं 500 रुपये थे हाँ 500-600 के लिए उन्होंने कहा पहले लिखा ओ ये तो ऑनलाइन है मीनिंग दैट्स देयर वे ऑफ सेइंग कि ये तो दूसरे शहर में है मैंने कहा जी तो कर दे इसकी तो फी लग जाएगी आप ATM से कर लें फी लग जाएगी मतलब इसकी नहीं सर 800 समथिंग एक्सक्यूज मी 500-600 रुपये पे करने के लिए मुझे 860 रुपये पे करने पड़ गए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ATM यूज कर ले मैं एक मिनट मुझे समझ में नहीं आई बात मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ मुझे पता है कि एक्चुअली ये डेटाबेस में स्टोर्ड वैल्यूज और कुछ भी नहीं है ठीक है एक सेल में से निकल के वैल्यू दूसरे सेल में जाएगी एक 500 यहाँ से कम होंगे 500 यहाँ से बढ़ेंगे सारे HBL एक साथ कनेक्टेड है ना राइट ऐसे ही काम होता है और कैसे होता है व्हाई आर यू आस्किंग मी 860 रुपीज टू डू दिस नहीं तो ऑनलाइन के तो हमारे ही चार्ज होते हैं मैंने कोई निहायत ही बकवास बैंक है आपका कसम से कि आप मैं वहाँ 1,000 रुपये वॉक मैंने यहाँ तो मैं बैंक अकाउंट होल्डर हूँ आप अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे अभी यूज नहीं कर रहा मैं अकाउंट बट यू नो दैट आई एम योर वैल्यूड कस्टमर और आप मुझे ये बोल रहे हैं मुझे 860 रुपये देने पड़ेंगे टू सेंड 500 रुपीज हैव यू लॉस्ट इट वही तो जल्दी देना था उसको विद इन बाय इवनिंग पहुंचाना था
मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, इस बंदे के पैसे शॉर्ट हुए, मैंने हमें शाम में उसको मैसेज किया कि जिस प्राइस की वो प्राइस बढ़ गई है 1600 रुपए शॉर्ट पड़ना, ये मुझे भेज दीजिएगा, मैं रात को कर दूंगा, अब्बू ने उसको ऑनलाइन पे भी कर दिया। I'm sure it's weird ऐसा होता होगा, लेकिन the funny part was that I couldn't do this on the banks still right there while I was standing there. This is the difference between a banking system. Mind you, HBL has the largest number, of the largest number of bank branches in this country, and is one of the bigger banks here. वो multinational है, कम branches हैं, वो तो service इतना फर्क है। और NCB में इससे भी पुराना एक experience है जो अभी भी लोगों का होता है, वहाँ आप पहले इस line में लगते हैं कि token लेते हैं, उसके बाद आप उस line में जाके लगते हैं जहाँ का काम है, और वो भी फिर आपको आखिर में जाके पता चलता है कि यार लिखा तो remittances हैं, but they're not taking deposits here. Those are being done on this one which has some other thing written on it. This is what happened to me when I was trying to withdraw my father's salary from a bank. I think it was American Standard था, हाँ, American कौन सा ना कहलाता था, American Standard था या तो कुछ, no, there was some American something को bank था, अब नहीं है वहाँ पे. But when I went up there and I'm like, I want to withdraw this, you know, वो अब मुझे सिखा रहे थे how to deal with banks. So one of those days, I think it was Yes Bank, I don't know. So I went up there, मैंने कहा वो token कहाँ से है? Token sir, कैसी बातें कर रहे हैं? What do you want to be done? मैंने नहीं वो किस विंडो से होगा सर, आपको करना क्या है? मैंने मुझे बस चेक कैश करना है सर, किसी भी विंडो पे आ जाए भी ठप करके हो गया। मैंने कहा एक एमसीबी था वहाँ, तो पहले टोकन के लिए लाइन में खड़े होते हैं, फिर वो टोकन मिलता है, फिर लाइन में खड़े होते हैं, फिर बेवकूफ बनते हैं, फिर दूसरी लाइन में जाते हैं, ये क्या होगा बस। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सर्विसेज में इतना फर्क है। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर थिंग, सो चेक्स भी इतनी ही खुआरी होती है। चेक का एक और कहानी सुन लें, ठीक है, क्योंकि अभी बहन की शादी भुगती है तो हमने चेक जो है वेरियस साइन किए। एक चेक साइन किया सर ये मैच नहीं हो रहा है आपके एनआईसी के रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर है उससे। मैंने एक मिनट होल्ड ऑन, एनआईसी मेरा बना था जिस वक्त 2003 था, इस वक्त 2014 है। इंसान की पर्सनैलिटी 10 से 11 साल में बहुत तब्दील हो जाती है, सिग्नेचर तो उसी की रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है अगर मेरे स्कूल का दोस्त मेरी सिग्नेचर, तो दूर की बात 150 बच्चों की फेक सिग्नेचर कर सकता था उनके अम्मा अब्बा की समेत, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई सिग्नेचर कॉपी नहीं कर सकता? कैसा है मकान सर, ये तो दुनिया भर में बैंकिंग स्टैंडर्ड है। फनी बात यह है कि वो चीज जो कि कॉपी नहीं हो सकती उसको हम झाइलों की निशानी बोलते हैं, अंगूठे का थाप, ठीक है, और सिग्नेचर विच कैन इजीली बी कॉपीड उसको हम सिक्योरिटी का तरीका बनाते हैं। मेरी समझ से बाहर है चीज, बट इट इज स्टिल हैपनिंग, इट इज एक्चुअली हमने पढ़ी है कि माय इंफॉर्मेशन से एनीवे, बट दिस इज हाउ सिली इट इज एंड दिस इज हाउ इट इज। सो एनीवेज अगर किसी का मब्बा एचडीएल में काम करते हैं, एनसीबी में काम करते हैं, ब्राई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं बैंक का सिस्टम है, ना मेरा कोई रिश्तेदारी है सेकंड चार्टर्ड से, बट आई लव दिस सर्विस। जब जाते हैं हम पुनः टीम की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज द गुड पार्ट अबाउट। एक दफा तो फायदा भी उठाया था ना, मैं गया एलआईसी एक्सपायर्ड है, महीना भर हो गया आप पैसे निकलवाने, वो उन्होंने कहा सर ये तो एक्सपायर्ड है। मैं वही पलटा, मैंने कहा वो जो लड़की बैठी है ना उधर, तो वो जो लड़की है ना वो मेरी स्टूडेंट है। हाँ सर बिल्कुल मसला ही नहीं हुआ, एक्चुअली एडवांटेजेस ऑफ हैविंग बीइंग अ टीचर, ये एनआईसी बनाते हुए भी हुआ। मैं एनआईसी बनाने के लिए जा रहा हूँ, अंदर से एक बंदे ने हाथ भी रखा मुझे लाइन में से, मैंने पूछ लिया कि यहाँ स्मार्ट कार्ड मेरा बनेगा या नहीं, मैं पकड़ के खींचने, मैंने ये क्या हो रहा है भाई, मैंने भाई मैं लाइन में खड़ा हूँ, मैं तो पूछने आया हूँ कि फला बंदा भी जो पीछे खड़ा उसका भी बनेगा, मेरा बनेगा या नहीं। सर क्या हो गया आपको? मैं हूँ आ जाए अंदर। मैं समझा वो छोटे मोटे वो असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर था, वो मेरे जाना तुम लोग, फिर तुम सबको पास कर दिया, सब अच्छी अच्छी जगह जाना। So coming back to our little thing, so हमने अभी बात की about the cash, we talked about credit card, we talked about checks, we talked about debit cards. So ये चार से पांच methods उनकी weakness आपको बताएं। Credit card is good, yes. So is debit cards. Plastic money is likable, but a lot of people have privacy issues with it. Plus the fact कि वो आपको अपनी identification देनी होती है, plus various किस्म की charges देने होते हैं, so a lot of people don't like it. और ऑनलाइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही कि द रीजन वी डोंट लाइक टू यूज इट इज बिकॉज इट्स टू डार्न स्लो। सो देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस जो हमने फिर सोचे कि देयर शुड बी अदर मेथड्स। मसलन देयर इज अ स्टोर्ड वैल्यू मेथड, वेरियस कार्ड्स इसके स्टोर्ड वैल्यू के लिए आते हैं। मसलन मैंने किसी अपने दोस्त को तोहफे में कुछ देना है, अब समझ नहीं आ रहा, दोस्त से मुलाकात बड़े से पहले हुई थी कि इसके इंटरेस्ट क्या होंगे। मैंने कहा यार पता क्या करो, ऐसा करो अमेजोन को ना मैं $100 दे देता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है उसकी शादी वाली है तो पता है $100 दे देता हूँ, जैसे हम शादियों में लिफाफे में दे देते, ये लोग हजार रुपया जो मर्जा करते हैं मुझे नहीं पता,
खाने के पैसे हो गए, खाना भी तो खाते ना बुफे के, मैं तो अपनी बोल रहा बुफे के पैसे होते हैं तो 1000 रुपये उसमें रख के तो हमने दे दिए, बड़ा कुछ जिगरी आ रही है तो फिर 1000 बना तो 500 बहुत, 100 जब मोहल्ले गए तो और भी कम। ठीक है सर, एनीवे खाने पे क्या चीज, हाँ यू नो जब हमने रिसीव किए थे ना बहन के 100 रुपये नहीं आया, तो खाना एक बंदे का नहीं था, खुदा का खौफ करो यार, 5 लोगों के साथ आए थे, 100 रुपये 100 रुपये की दो लोग चाय नहीं पीते, सोचता है यार। खैर बात है, तो एनीवेज कमिंग हियर, तो अब आपने कहा कि यार ऐसा करो, मैं अमेज़न को बोलता हूँ अमेज़न मुझे ना $100 का गिफ्ट सर्टिफिकेट दे दो, तो मेरा दोस्त को मैं भेजूंगा और वो दोस्त को लिंक मिलेगा और अमेज़न को कहेगा जनाब मुबारक हो आपका, आपके दोस्त ने आपको सालगिरह के लिए या शादी के तोहफे के तौर पर ये $100 दिए, इसकी जो शॉपिंग करनी कर लो। ये एक तरह की स्टोर्ड वैल्यू है, लेकिन ये विद इन अ नेटवर्क है, इससे अमेज़न पे चलेंगे रिफंडेबल नहीं है। जैसे आप कहीं जीतते हैं टिकट फेंकते हैं, उसके नीचे लिखा होता है नॉट रिफंडेबल, मीनिंग इसको जाकर पैसे नहीं ले सकते आप। क्या हुआ, आपने एक सिस्टम के अंदर पैसे गए तो निकल नहीं सकते। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के अंदर शुरू के अंदर आप रियल वर्ल्ड मनी से गोल्ड खरीद सकते थे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का, वाइस वर्सा नहीं हो सकता था, लेकिन लिंडन डॉलर में हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। आपको शायद याद हो आपकी कैंटीन में पता नहीं होता कि नहीं होता, जब खुले पैसे नहीं होते थे, 1 रुपया 2 रुपया वो प्लास्टिक का टुकड़ा देता था, उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ था। अब वो लेके आप अगर दुकान पर जाए बोले मुझे इसकी 2 रुपए की सुपारी दे दो, ये रहा 2 रुपए, ये क्या है, क्यों नहीं चला, क्योंकि वही वाली बात है, गांधी की फोटो से कुछ नहीं होता, गांधी की फोटो वाला पीस ऑफ पेपर पे होता है क्योंकि उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, तो प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है, हाँ मेरी बच्ची भी लाती है ये, लेकिन सॉरी मैं ये बैंक में नहीं चलेगा, तो यार घर जाके कर। बचपन में तो हम यही कहते थे ना कि बस किसी भी कागज पर अब्बू मैं आपको बहुत सारा लिख के दे दूँ फिर मुझे ये चीज ला दे, पैसे हो जाएंगे। बट वी वर इनोसेंट एंड अंडरस्टैंड इट्स नॉट द पीस ऑफ पेपर दैट गेट्स यू वैल्यू, मनी इज नॉट क्रिएटेड दिस वे, प्लीज रिमेंबर मनी छपती नहीं है, दैट्स द करेंसी बीइंग मिंटेड, वैल्यू या मनी इज एक्चुअली क्रिएटेड व्हेन समबडी बोरोज इट, लेवरेज के थ्रू बनती है। जब मैं गया और मैंने बैंक में 100 रुपये जमा कराए तो बैंक अब मुझे 100 रुपये देगा, राइट, तो मैंने अपने अकाउंट में भी लिखा है कि मुझे बैंक 100 रुपये देगा और बैंक ने मान लिया हमने 100 रुपये देने, थोड़ी देर बाद कहा आया ताने का मुझे 100 रुपये उधार दे दो, बैंक ने इसको 100 रुपये दे दिए, अब बैंक ने 100 के 200 बन गए, बैंक को इसने 100 रुपये देने और 100 रुपये बैंक ने मुझे भी देने, तो नाउ देयर 200 रुपीज इन द इकॉनमी, दैट्स हाउ मनी इज क्रिएटेड, नॉट बाय बीइंग प्रिंटेड। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर इज ये स्टोर्ड वैल्यू एक मेथड है। ठीक है, इसी तरीके से हम वेरियस और स्टोर्ड वैल्यू भी लेते हैं, मसलन एक बहुत कॉमन स्टोर्ड वैल्यू है, जब आप जाते हैं और आप जैस का 100 रुपए का कार्ड खरीदते हैं, अब उससे आप सब्जी वाले वाले भी बोल सकते हैं ये 100 रुपए हैं, गिव मी 100 रुपए के डिमांड, हाँ दो प्रॉब्लम, फर्स्ट दिस डज नॉट हैव बाबी की फोटो, बट इवन इफ इट डिड आई कांट एक्सेप्ट इट बिकॉज आई एम अ टेलीनॉर यूजर, व्हाट द हेल एम आई सपोज्ड टू डू विद योर $100 जैस, दिस इज 100 रुपीज, राइट, एंड दिस इज एक्चुअली 76 थैंक्स टू आवर करंट गवर्नमेंट टैक्सेशन, सो 100 रुपए के तो टमाटर ऐसे भी नहीं आ सकते, फिर मेरे लिए अजाब होगा कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ढूंढू किसी को जिसके पास जायज है, फिर वो मुझे 100 रुपए, सॉरी ये तो नहीं सकता, टू लॉन्ग प्रोसेस, सो ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, इवन दो इट इज वर्थ 100, व्हेन यू वेंट टू द शॉप वाला यू गेव हिम अ 100 रुपए का नोट एंड यू गॉट दैट, बट बिकॉज द पेमेंट नेटवर्क इज लिमिटेड, दैट्स हाउ इट इज, जब आप प्री पेड कार्ड खरीदते किसी चीज का वैल्यू वो भी स्टोर कर रहा है, बट वो वैल्यू सिर्फ सर्टन एरिया में यूज हो रही है। जो लोग कभी गए हों इस्तेमाल किया हो दुबई के अंदर या इंग्लैंड के अंदर या जर्मनी के अंदर, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो कार्ड खरीदते हैं, उस पर कोई नाम नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन उस पर चिप लगा हुआ होता है जिसके अंदर एक्चुअली स्टोर्ड होता है कितनी वैल्यू है, उससे चार्ज होता है, आप उसको जेब में रखते हैं और आप टर्नस्टाइल पे जाकर खड़े होते हैं और सब जाते रहते हैं और वो खुद बहुत पैसे कट जाते हैं उसमें से, आप जिस स्टेशन को उतरते हैं कट जाते हैं। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी यूज करता है कि जिस टेक्नोलॉजी को आप उस वक्त कोसेंगे कि जब आप दुकान से कोई चीज चोरी करके बाहर भाग रहे हो, क्योंकि एक जोरदार अलार्म बजेगा और एक बहुत मोटे संचल आकर उसकी पिटाई लगाएगी, क्यों, क्योंकि आप जब चोरी करके भागते हैं तो वो एक प्लास्टिक का काला सा टुकड़ा होता है, वो नहीं होता चिप, उसके अंदर एक कागज के जितना पतला एक चिप लगा हुआ होता है जो अब आपके NICs में भी लगेगा और भी आपके फोनों में भी होता है, ये RFID चिप होता है जो मैंने आपको बताया भी था, अमेज़न की पूरी सप्लाई चेन अब इसी की बेस के ऊपर चल रही है, तो ये सप्लाई चेन में बहुत इस्तेमाल होता है। एनीवेज दिस पर्टिकुलर चिप बेसिकली सेंड आउट अ सिग्नल, व्हाई वाज दिस यूज्ड, अर्लियर लोग क्या करते हैं स्वाइप कार्ड यूज होते थे, हमारे ट्रेन किस वक्त आती है 9-18 घंटे लेट होती है वैसे तो, बट हमारे यहाँ जिसको टाइम भी पता था बोलते हैं 9:15, 9:30, 9:30, ठीक है, एवरीथिंग इज इन राउंडेड नंबर्स ऑफ 15 or 10 or 5, देर इज नो 9:07, देर इज नो 9:06, ये तो कोई टाइम हो ये क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो स्केल इस तरह चलता ही नहीं, लेकिन वहाँ क्या होता है ट्रेन आई 9:38 पे, फिर 9:42 पे दूसरी आ गई, सो आप इमेजिन एन एंटायर लाइन एंड इमेजिन इफ ईच पर्सन टेक्स अबाउट 10 सेकंड्स टू स्वाइप देयर कार्ड, पुल इट आउट ऑफ द पॉकेट एंड स्वाइप देयर कार्ड, एंड समटाइम्स वो स्वाइप खराब हो गया, बार बार स्वाइप कर रहा है, दो दफा चार्ज हो गया, लड़ रहा है, जो भी कुछ है, द पर्सन एट द एब्सोल्यूट एंड बाय दैट टाइम सेकंड सेकंड सेकंड्स एक्युमुलेट्स एंड ही लूजेस हिज ट्रेन और हिज क्यूब, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट,
नुकसान हो गया उसका. सो दिस सॉल्व दिस बाय सेइंग कि इसको स्वाइप नहीं करें, इसको नियर फील्ड कम्युनिकेशंस को यूज करें कि करीब जैसे आएगा वैसे वो काम करेगा. सो ही विल जस्ट वॉक थ्रू एन आर्च, टर्नस्टाइल लगा देंगे ताकि वो कूद कूद के नहीं जाए, एक वक्त में ही गुजर के जाए. और जैसे ही वो चढ़ेगा ट्रेन पे, अच्छा वो फलाट मुझे जाना तो स्टेशन था, मैंने उनको पहले कहा था वो पूरे टिकट खरीद लेता था, पीछे उतरा मैसेज आया. अब वो जहां उतरेगा वहां से जैसे ही गुजर जाएगा उस आर्च के अंदर से मैसेज उसको चला जाएगा, उतने पैसे उसके कट जाएंगे. और वो कार्ड अपने भाई को भी दे सकता है, अच्छा भाई तुम्हें जाना है तुम ही कार्ड ले जाओ, वो टिकट उसके नाम पे भी नहीं. यूजेबिलिटी ये इंग्लैंड के अंदर ऑयस्टर कार्ड के नाम से मशहूर है, ठीक है, यूरोप वगैरह में, और एक दुबई में यूज होता है नॉल के नाम से. बहुत सारी जगह बहुत सारे नाम है, बहुत सारे कार्ड हैं, ऐसी कोई कोई अफलातून चीज नहीं है. आपके फोनों में भी होता है, इसको NFC कहते हैं, जब आप फाइल ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे फोन को एक दूसरे टैप करके या एक दूसरे के पीछे ऐसे रखे. ब्लूटूथ की बात नहीं हो रही है, NFC इज डिफरेंट. इन फैक्ट देर आर थिंग्स कॉल्ड NFC टैग्स, कागज की तरह टुकड़े होते हैं छोटे से, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने अपनी लेट्स से स्लीपिंग टेबल बेड टेबल के ऊपर रख दिया, साइड टेबल पर सो रहे हैं आप, आपने फोन ना रख दिया, ऑटोमेटिकली फोन की खुद बहुत कॉन्फ़िगरेशन आपकी नींद के लिहाज से चेक हो गई कि इन नंबर्स को एक्सेप्ट करना है इनको नहीं करना, खुद से सेट करना पड़ता है, वो खुद ही हो गया. जेब में डाला उसमें कागज का टुकड़ा रखा अपनी की चेन के साथ, जेब में डाला सेटिंग हो गई, गाड़ी में रखा उससे जैसे ही वो करीब आया उसने सेटिंग उसकी सेट करी. ये काम के लिए भी इस्तेमाल है. सो आके NICs में लगवाता है, NIC है किसी के पास स्मार्ट वाला अभी, तो मेरा भी रिसेंट बना है ना, देखा लोग इट्स लाइक दिस. दुनिया भर में इसको मॉडल किया जाता है, तो इसको इतना बुरा मत समझिएगा. मे बी चलता थोड़ा खराब तरीके से, लेकिन दूसरे मुल्कों में इससे भी बहुत बदतर चलता है, भी बुरा चलता है. एनीवेज आइडिया कुछ ये होगा कि शायद कल को जब आप पासवर्ड बनवाने जाएंगे तो वो जो लंबी लाइन में रखे हुए मकाना फॉर्म नहीं बनेगा, आप सिर्फ चिप को लगाएंगे, इस कार्ड को चिप लगा हुआ वहीं से वो डिटेल उठा लेंगे और वेरीफाई भी हो जाएगी कि इनके अभी तो ये हालत है. अब इमेजिन कीजिए देयर इज दिस गाय जो आप अपना NIC बनाने आया स्मार्ट, तो उससे कहते हैं सर वो तो आ गया रिकॉर्ड में, आपका तो आ रहा है बट आपकी किसी फैमिली का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है. तो आपके वालिद का कार्ड हुआ आपके पास, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अच्छा आपकी वालदा का होगा, उनका भी क्या काफ़ी एजेड आदमी थे, तो आपके कोई भाई बहन है नहीं, भाई मैं अकलौता ही था सर, फिर तो आपको किसी की रेफरेंस लेकर आनी पड़ेगी. आर यू टेलिंग मी टू रिन्यू माय कार्ड, आई हैव टू प्रूफ टू यू दैट आई एक्चुअली एग्जिस्ट. वाओ. और एक और जो बहुत अच्छा हुआ था, वांटेड टू मेंशन इट, एक अंकल आए एंड ही प्लेस बर्थ सर्टिफिकेट, ही सेड कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ये क्या चीज है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है सऊदी गवर्नमेंट का, और दैट्स इट. तो आप क्या चाह रहे हैं इस कहने के, आपको प्रॉबेबली बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल वगैरह बनवाना होगा, इस बच्चे को आना होगा. अंकल ने बड़ा अच्छा जो है बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ. The entire line started laughing its head off. He was an old man with a white beard. Hilarious. Anyways, so ये अजीब अजीब चीजें वहाँ पे होती हैं. मेरा तो फायदा था कि अब्बा जान भारी गाड़ी में बैठे, अब्बा को बुला लिया, अब्बा कार्ड दे चले, तो मैंने दे दिया. ना ये एक अजीब सी चीज़ हो रही है, तो जब तुम लोग के साथ हो तैयार है ना, इसी तरीके से जब इंशाल्लाह तुम लोग की शादियों के बाद अपने NIC बनवाने जाओ ना, तो मेक श्योर कि आपका डिजिटल निकाहनामा मौजूद होना चाहिए जो आपको सिविक सेंटर में खौर होकर बनाना पड़ेगा, और आपके शौहर मोहतरम या बेगम मोहतरमा को साथ लेके जाइएगा, वरना वो वेरीफाई नहीं होगा. दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू गेट देयर NIC's नेम्स चेंज्ड एंड एवरीथिंग वेरीफाई, वरना कल को जब बच्चे होंगे तो उनके डोमिसाइल बनाने में जिंदगी हराम कर देंगे. आपको बच्चों को भी साथ लाना होता है, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल यू मे बी. Yeah, prepare yourselves for those entire. मतलब you have to prove to the government you exist. Yes, I am married. Because silly बात है. सोचो यार जब वो register हो गया तो details should come in from there and NIC should in there. It is a very very unconnected method. शायद इसीलिए ये लोग smart करने की कोशिश कर रहे हैं. Within 2 years I've heard they were talking about it. This will become compulsory to everybody having this stuff. Let's see now. Anyways, coming back to our topic here. So e-commerce payment systems are therefore helpful in this way. By the way, बल्कि as far as I know, NIC का अभी से होने लग गया कि it will become compulsory for you to carry NICs at all times because of various security reasons. Origins. Okay. Anyways, so moving on, major trends अब हमारे पास आते हैं कि ये ही कह रहा है कि let's see how many what's the situation in America for payments. So if you would look at it, 42% tend to prefer credit card, but that is because obviously वहाँ पे बहुत अच्छा method. And about 16% prefer various alternative methods. इसमें PayPal भी शामिल है, जो Google Wallet है, checkout भी है, और bill भी later भी, ठीक है? Mobile से 6.4% है, debit card 29% है, other is only 6.6% जो और cash on delivery or whatever. वैसे वो prefer नहीं करता. Looking at alternative methods, consumers in 2012, one of the highest ones is PayPal. इन सब में जब तोड़ते हैं तो PayPal सबसे highest है. Remember and recall again, PayPal is actually owned by eBay. Only recently has it become a Bitcoin. Yes.
Amazon ki payment checkout 26%, bill related 21%, Google Wallet about 11%. So moving on. So up ye online transaction ki example bhi diya hua wahi credit card ka exactly usi tarike se. I will not go into the details, but you will look at this diagram and understand it. Aage badhte hain. Case mein money nahi exactly wahi. So online stored payment systems. So PayPal ka humne example padha. Near field communication मैंने आपको अभी भी explain किया smart wallet के through. अब ये भी थोड़ा सुन लीजिए wallet क्या होता है. Electronic wallet जो होता है is not जिस तरह real wallet का क्या मकसद है आपके पैसों को carry करना, credit card को, debit cards को carry करना. बिल्कुल इस तरह का electronic wallet. That is nothing more than a store of all of your values along with your credentials to prove that it is yours. That's it. There are two different kinds of wallets. There are server side wallets and there is a client side wallet. एक होता है जो आप अपने किसी एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइस होना जरूरी होता है फॉर पेमेंट, और एक होता है जो सर्वर पे कनेक्ट होता है कहीं से भी उसको एक्सेस करते हैं जैसे पेपैल और फोन. अब मोबाइल से पेमेंट की जो मुराद है उसका ये मतलब हरगिज नहीं है जो कॉमनली लोग समझते हैं कि सर यूपीआई के अकाउंट एक्सेस किया और मैंने पे किया. नहीं, मोबाइल पेमेंट वाज सपोज्ड टू बी वेयर द मोबाइल फोन वुड एक्ट लाइक योर क्रेडिट और योर डेबिट कार्ड, वेयर यू विल टैप एंड पे. यू विल गो टू अ स्टोर, यू विल कैरी एप्पल पे एग्जैक्टली एंड गूगल वॉलेट. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज people tend to forget their cards, people tend to forget their wallets, send them to people's phone, forget their phones. That is why they wanted this method, because it's a computing device and it's constantly connected. Why not use this as a payment? So wahi NFC jiske through wo card bane the usi technology ko use karte hue, you'll go to a shop and you want to pay for something, just tap and pay. Us machine ka aap gaye, tap kiya, usne permission mangi, yes kiya, khalas. So Apple Pay ke liye to aapko tap हाँ वो उन्हें अब तो डियर फील आ गया. टैप टू पे वो ऐसी टर्म थी, अब तो सभी इसी तरीके से होते हैं. तो मैकडॉनल्ड्स पे आप बाय कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं. एप्पल के साथ बुराई आई हुई है कि वॉलमार्ट वगैरह बड़े नाम जो है उन्होंने अपना पेमेंट सिस्टम रखा हुआ है कि हम एप्पल को यूज नहीं करेंगे, हम अपना यूज करेंगे कनेक्ट सी के नाम से. गूगल वॉलेट है एक और ऑल्टरनेटिव, अमेजोन का पेमेंट सिर्फ अमेजोन पे चलता है. तो देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स. दिस इज टेक्निकली मोबाइल पेमेंट. ये तीनों चीजों को लोग मिक्स करते हैं, मोबाइल बैंकिंग को विद मोबाइल पेमेंट अलॉन्ग विद ब्रांचलेस बैंकिंग. इजी पैसा इज ब्रांचलेस बैंकिंग, इट्स नॉट मोबाइल पेमेंट. It is basically the use of the mobile network like an ATM system. Okay, you can withdraw money. Why is that being done? That is being done because people tend to trust banks more, but bank branches are not everywhere. Let's understand that as with a simple example. Imagine a ladka working in the city. Uski boodi maa gaon mein rehti hai. Usse paise bhej diye. ठीक है, अब वो बूढ़ी माँ को बेटे ने कहा अम्मा ऐसा करो तुम ना एनआईसी लेके जाओ और बैंक में जाके अकाउंट बनवा लो. तो बेटा मेरे पास तो ना एनआईसी है ना मुझे बैंक समझ में आता है, वो तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. अच्छा फिर ऐसा करो अहमद है ना अहमद. हाँ बेटा पता है मुझे अहमद, वो जो दुकान वाला पर्ची वाला आ रहे बेटा तेरे साथ खेलता था, मुझे याद है कितनी दफा तो पिटा है वो मुझसे. उसके पास जाना और मेरे नंबर भेजूंगा, ये नंबर उसको दे देना, तुम्हें पैसे दे. She is not willing to trust the bank or work with the bank, but she is willing to trust the fortune wala because the fortune wala is someone known to her personally. And how is this happening? Because the bank branch even may not even be there, that particular branch, but because the mobile networks are everywhere, these two have joined their hands and are making branchless banking happen. So MCQs mein bhi question tha, usi se related bata dun ki one of the most weirdest part is that in the third world countries, branchless banking methods such as M-Pesa or GCash or Easy Paisa, Kenya se start hua tha. That is where this is more popular. In the first world countries, wo kare hum alternative itne acche chalte hain, they don't need stuff like that. The banking system is far superior, so you don't need. But hamare zyada popular hai. Easy Paisa ho gaya, Mobi Cash ho gaya, theek hai, Omni hai, you phone ka UPI aata hai, UPI all of this. Theek hai, to microfinance, Tami microfinance ne start kiya tha Telenor ke saath milke, where Easy Paisa started. So now it's common. This is branchless banking. Mobile banking is when you use your cell phone to access your mobile, to access your bank account, the same way you would do on a computer. And mobile payment has still not happened in Pakistan, which is aapka Apple NFC wali, Apple Pay ya Google Wallet. In fact, hasn't happened in many parts. NFC ka koi link bank account se nahi hota tha, how much? नहीं होगा होगा ये वो by the way ये understand का NFC से payment जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है bank नहीं है, bank तो है, जादू से थोड़ी पैसा है. Connected to bank account से है ना. NFC is just a payment method, it's just a communication technology. Sir, ये insurance policies का क्या फायदा? क्यों चीज़? मोबाइल बैंकिंग बेसिकली ये है कि यू आर एबल टू एक्सेस योर यूपीएल अकाउंट और एनी अकाउंट थ्रू योर मोबाइल फोन, उसकी ऐप बना दिया है, दैट्स इट. क्योंकि डूइंग इट थ्रू द ब्राउजर देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी वीकनेसेस, तो ऐप में थोड़ी बेहतर हो जाती है. वेबसाइट्स को जब आप बनाते हैं मोबाइल फोन की वजह से, सोचे आप मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ छोटे से स्क्रीन पर, जरा सी गलती हुई मेरा, ओ बैंक सॉरी 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 गलत हो गया, बैंक का सॉरी हो गया, तो
ठीक है, क्या अपने आप का कसूर है? इसलिए उसके लिए बाकायदा ऐप बनाना उसको सीखे, क्योंकि स्टेट बैंक बहुत सख्त है इन मामला में, यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। यही वजह है कि पेपैल नहीं भी आ पाता इसलिए, क्योंकि या एक और चीज नहीं हो पाती, जैसे वो बड़ी मुश्किल से हुआ है कि यू फोन का ताजी.com के साथ हो गया कोलैबोरेशन, कैन आई यूज माय मोबाइल लिंक का अकाउंट और उसमें जो कैश है एंड पे फॉर अ शर्ट समवेयर, नहीं ना, बट दैट कुड हैपन इफ मोबाइल लिंक एंड दैट शर्ट कंपनी हैव सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप, क्लोज नेटवर्क तो हो सकता है, बट आई कांट पे एवरीथिंग क्योंकि एसबीपी अलाउड नहीं है। ये होती है मोबाइल पेमेंट अगर ये होना शुरू हो जाए, यस नहीं हो पा रहा है। स्टेट बैंक के रूल ये कहता है कि जब तक कोई चीज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है ना, वो अपने पैसे इशू नहीं कर सकता, और टेक्निकली अगर मैं मोबाइल लिंक के क्रेडिट से कोई चीज खरीद रहा तो ऐसे ही हो गया ना जैसे वो अपने पैसे इशू कर रहा है, करेंसी आ गई ना, एक तरह से तो पेमेंट वैल्यू है ना, वो बिल्कुल इस तरह बिटकॉइन वो अपनी वैल्यू इशू कर रहा है, भले वो ट्रांसलेटेबल है इनटू दैट, उसमें बहुत सारे इशू आएंगे, कैन इट कन्वर्ट बैक इनटू रुपीस, व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेट, हु विल कंट्रोल दैट एक्सचेंज रेट, हु विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन, हु विल कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी फॉर दैट सिस्टम, so too many issues and SBP is not mobile payment नहीं होती हमारे, मतलब बैंक को उसके साथ कनेक्ट करने, and basically your cell phone becomes the medium like a credit card, it acts like a credit card, it holds the value and it allows you to be used for accessing your stored value, तो ये this will be mobile payment जो अभी तक नहीं लिया, क्यों नहीं भाई, क्या state bank is not okay with it, I don't know, सर हम ऐसा तो कर सकते हैं कोई भी bank खोल ले वो उसके अंदर सब like deposit वगैरह करा दे और वो फिर अपना like ये NFC वाली जो चीज़ है, इतनी मेहनत करने से बेहतर नहीं, लोग बोले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो सिर्फ यही तो कर रहा है, क्या जरूरत है, कार्ड जारी कर लो और फिर वो एक्सेप्टेबिलिटी, कितनी दुकानें एक्सेप्ट करेंगी इस आपके इस मेथड को, वो कहेंगे हमारे उसके लिए डिवाइसेज लगाओ, उसके लिए कनेक्टिव ट्रस्ट, वही तो बात, एक्सेप्टेबिलिटी तो सारा खेल है, एवरीबडी एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी, नॉट एवरीबडी एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, मैंने अगर अब फिर वही बात आ गई, मैंने खरीदने गोलगप्पे, उसने कहा ये वीजा मास्टर को नहीं पता भाई, हमें तो बाबे की फोटो पता है, देनी है दो नहीं तो चलते फिरते, देखो फिर खुलने का मसला, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कितनी फी चार्ज होगी, टू मेनी इश्यूज, जो इतने बड़े नहीं है इश्यूज, तो आप क्या करने को कुछ तैयार नहीं, 3G 4G में 10 साल लग गए, 3G इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, वी स्टिल स्टक ऑन इट, क्या कहें, LTE तो 4G से भी ऊपर है, और दूसरी जगह पर स्पीड सुन लो तो तुम रोने लग जाओगी, वो इतनी तेज स्पीड से, आपको पता है गूगल फाइबर 700 Mbps तक पहुंच चुका है, इन वेरियस अमेरिकन सिटीज इतनी फास्ट है, या एनीवेज, सो लेट्स कम टू डिजिटल कैश व्हिच इज एसेंशियली डिफरेंट, इसीलिए आपको एक पिक्चर भी दी थी, ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी वर्सेस बिटकॉइन, बिटकॉइन इज अ डिजिटल कैश, इट्स अ डिजिटल करेंसी, आपको जो मैंने केस स्टडी भेजी थी उसमें लिंक्स दिए थे, एक लिंक था जिसमें पिक्चर थी, इसमें कंपैरिजन है, इस केस में भी लिखा हुआ है लेकिन एक अलग से लिखी पिक्चर, एग्जैक्टली वेरियस नाम दिए हैं उसमें, और कंपेयर किया हुआ है कि क्यों उसको नॉर्मली करेंसी को कहते हैं फिएट करेंसीज, फिएट वर्ड्स का मतलब है, मुझे फाइनेंस वाला बता सके इसको फिएट का मीनिंग क्या है, तो फिएट करेंसी ऐसी IFIAT जितनी भी दुनिया की करेंसीज है कॉल्ड फिएट करेंसीज, दिस इज नॉट अ फिएट करेंसी, नाउ व्हाट इज अ बिटकॉइन, व्हाई डिड वी फिएट कहते हैं FIAT, पता क्या एब्रिविएशन, थैंक यू, सो फेडरली या फेडरल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेट करेंसीज, इस तरह का कुछ टर्म होती है, एनीवे तो व्हाई डिड वी रिजॉर्ट टू बिटकॉइन, व्हाई डू वी वांट बिटकॉइन, सो फर्स्ट वी नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम, कि जिसकी वजह से हमें सूझा कि बिटकॉइन हो या किसी को सूझा, भाई सबसे पहला प्रॉब्लम यह कि बैंक कंट्रोल करते हैं हर चीज को, हर चीज की क्लियर, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्लियरिंग हाउसेस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस, ये बैंक होता है, हर चीज बैंक से गुजर के जाती है, बैंक प्रोसेस करता है फिर बात होती है, राइट, दिस कॉस्ट मनी बिकॉज दिस चार्जेस मनी, राइट, इस प्रोसेस की वजह से एक्स्ट्रा मनी इज चार्ज, राइट, बिकॉज ईच ट्रांजेक्शन में बैंक पैसे लेगा, प्लस बैंक डिसाइड्स ये होगा या नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जैसे अभी एग्जांपल आया, आई कांट बाय अ शर्ट यूजिंग माय फोन क्रेडिट, भाई बैंक ने अलाउ नहीं किया हुआ, देयर इज नो वे टू डू दिस, बैंक सेज मिनिमम इतने पैसे होंगे, अच्छा जी पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, राउंड ऑफ हो के रुपी होगा, मनी सप्लाई वही कंट्रोल करता है, डॉलर की आज इन्फ्लेशन रेट है कल को ये, जैसे अभी हुआ था, जितने लोगों को समझ में आता है, मुझे भी मुश्किल समझ में आता है, डेरिवेटिव्स वाला जो सिनेरियो भी हुआ था जो मॉर्गेजेस की वजह से हुआ था, उसके बाद उन्होंने खुद ब खुद मजीद नोट छाप दिया, उन्होंने डीवैल्यू कर दी करेंसी, सबकी खैर हो गई, मनी की सप्लाई को चेंज कर दिया उन्होंने, सब कुछ खैर हो गई, पहले गोल्ड बैकिंग में होता था अब नहीं होता, जो मर्जी आदमी कर लेते, ठीक है, इसेंचुअली वो कुछ नहीं, हवा की वैल्यू है, वो हवा है, वो कुछ भी नहीं है, उन्हें कह दिया $100 वर्थ है, अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट वो जो खुद मकरूज है जापान की चाइना की 12 या 11 trillion दोनों, ठीक है, वो खुद ही कह रही है ये मैं गारंटी दे रहा हूँ $100, कल को उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई दुनिया की इकोनॉमी की धज्जा उड़ जाएगी, सीरियस सब कुछ तो डॉलर पर बेस किया आपने, सो इट हैज नो वैल्यू, सो देयर आर सेवरल इश्यूज, so we said that we need to have a different kind of currency and that currency in our opinion was this new thing bitcoin, now bitcoin banaya kisne, nobody knows, there was this guy
who wrote a research paper and he put it on a message board. Like message board tha, jispe cryptography ki discussions hote the, cryptology, which is a way of hiding data for security. Usne uske upar wo pura research paper likh ke dal diya, something Satoshi karke uska naam tha. Nobody knows who it was. Some guy was arrested later. Ke he is supposedly that guy, Satoshi. Usne kaha, haan theek hai, main naam Satoshi, I'm not this person. Pata nahi sach hai, pata nahi jhoot hai. Kaun bande ne kiya, kyun kiya, pata nahi. But he made this happen. Now, what did we need to create this currency? The problems that need to be solved, wo to nazar aa gaye. How do we solve them? The first thing unhone kaha ki bhai ye middle person jo bank hai na, isko utha ke fenko bahar. But agar maine isko utha ke bahar fenk diya, to trust ka kya hoga? Kyunki sare ke sare transactions ki logging, sare ke sare transactions ki detail to bank rakhta hai. Translation ledger to bank rakhta hai. Chahe central bank ho, chahe aapka issuing bank ho, wo to bank rakhta hai. Plus koi gadbad hoti hai, aap bank ko jaake ungli uthate hain, usko sue kar dete hain. लेकिन आप कह रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी हटा दो, हाउ विल दैट हैपन? दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, वेयर विल बिटकॉइंस कम फ्रॉम, हाउ विल वी गारंटी दैट? आप ये कह रहे हैं कि किसी के पास किसी की डिटेल नहीं होगी, दिस विल बी अनोनिमस. तो इफ इट विल बी अनोनिमस, हाउ विल वी चेक दैट दिस इज वैलिड? समबडी माइट बी यू नो चीटिंग समवन, इसको भी यही पे कर दिया, इसको पे कर दिया, व्हाट इज द वैलिडिटी? हाउ विल वी बी कंफर्मिंग कि ये ऑथेंटिकेटेड, ये ओरिजिनल, इसी के पैसे जो ये दे रहा है, जाली काम नहीं हो रहा है? ठीक है, how will we trace all of these things and how will we make them happen? So this guy said that the solution is Bitcoin. And how will we do it? We will do this by solving these mathematical things which are called hashes. That is where the first Bitcoin came, right? In January, in 2009, he solved this particular mathematical question which and generated a hash and said this is the first Bitcoin. And for every transaction that will ever happen, let's say I want to pay 5 Bitcoins to Taha for a transaction. What will happen is that when this happens, this transaction won't just happen. This will first require the checking ki mere paas ye 5 bitcoin kahan se aaye. And to check that, you will have to find out mere paas ye 5 bitcoin mujhe kisne diye the. And you will then go backwards and backwards, all the way back to the first bitcoin. Now this process will be a long mathematical process. And as time goes by, more and more transactions will happen. And it will become more and more complex to trace back every single bitcoin. And remember that Bitcoin ki ek beauty ye hai, it could be in any number of fractions. It can go to 0.00000001 Bitcoin. Because koi note to chhap hi nahi raha hai. Issue hai hi nahi koi is cheez ka, aaram se banao. There is no minimum denomination. Isko denomination kehte hain, no minimum denomination. No maximum denomination. You can pay as much as you like. Okay? So this is what will happen. Theek hai, this is cool. So it is them. But kisi ka dimaag kharab hai, wo baith ke kaam karega. Ye trace karne wala. Kitni calculation hogi. Ye haan haan. सिंपल है, जो ये काम करेगा उसको रिवॉर्ड देंगे, क्या रिवॉर्ड देंगे उसको? बिटकॉइन नहीं, वो तो ये होंगे कौन? ये माइनर होंगे और ये लेजर मेंटेन करेंगे. लेजर कहाँ मेंटेन होगा? देखो भाई बहुत सीधी बात है, हम बैंक को सब ट्रस्ट करते हैं. हाँ सब ट्रस्ट करते हैं. अगर आज हम सब मिलकर बोले स्टेट बैंक झूठा है तो क्या स्टेट बैंक की किसी चीज की वर्थ रह जाएगी? नहीं. हम सब मिलकर उसको मानते हैं तो एग्जिस्ट करता है, वरना खत्म हो जाएगा. तो अगर हम सब मिलकर अगर कोई एक साथ झूठ बोलता है तो क्या होता है? सब लोग झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, लेकिन एक साथ सब लोग झूठ नहीं बोल सकते. तो हम ऐसा करते हैं कि सबके सब जो जो बिटकॉइन यूज करेगा तो सबके पास दुनिया के सारे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा देते हैं. क्या ख्याल है? तो ये भी सही है, एवरी टाइम वो ट्रांजेक्शन करेगा उसके बाद अपडेट होंगे सारे ट्रांजेक्शन. एंड दिस वी विल कॉल एज द बिटकॉइन ब्लॉकचेन. एंड दिस लेजर विल बी मेंटेन बाय एवरीबॉडी. सो एवरी टाइम एन ट्रांजेक्शन हैपेंस द रिकॉर्ड विल बी कैप्ट. हां गलती है सिस्टम में क्या? अभी तुम बोल रहे थे अनोनिमस, अब तुम कह रहे हो सबके रिकॉर्ड होंगे. इसके मतलब सबका नाम लिखा होगा, तुमको पता होगा कि ताहा ने जो है वो चीटिंग के लिए एक बुक खरीदी है और खुरम ने एक टोपी खरीदी है रैपर की और किसी ने कुछ और खरीदा, किसी को चाहिए तो गई प्राइवेसी धज्जी उड़ गई. इसमें और बैंक में क्या फर्क हो गया? बल्कि यहाँ तो ज्यादा खतरनाक हो गया, तो दुनिया के हर बंदे को पता है मैंने क्या खरीदा है. लो भाई हो गया काम. तो कह नहीं भाई परेशान नहीं हो, हम उसका एक सर्टन नंबर जनरेट करेंगे और हम उसको रखा करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन रियल है और हर बंदे को ये नंबर असाइन होगा. कह रहे फिर ये नंबर तो खत्म हो जाएंगे. कह रहे नहीं जनाब, वो जिस प्रोसेस हम ये नंबर निकाल रहे हैं तो इतने नंबर जनरेट हो सकते हैं कि जितने इस अर्थ के ऊपर ग्रेन्स ऑफ सैंड है उसको भी 18 टाइम मल्टीप्लाई कर दो ना इस ऐसी अर्थ को, तब भी पूरे आपके कम नहीं पड़ेंगे, उससे भी ज्यादा है. आप इसके लिए परेशान? नहीं नहीं नहीं, ये नंबर को जनरेट कर लेगा. कि जनाब आली, किसी के अच्छे में भी इतनी तप्पड़ नहीं है ना, आप दुनिया के सारे कंप्यूटर मिला के भी कर ले तो 100-200 साल लगेंगे उसको ये ऐसा एक जाली नंबर जनरेट करने. और बाय दैट टाइम सब कुछ का खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 2170 के अंदर बिटकॉइन बनना बंद हो जाएंगे. सिर्फ 21 मिलियन टोटल बनाएंगे ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें. ठीक है अच्छा, लेकिन एक चीज और है, अब बिटकॉइन तो फिर हर कोई बनाता रहेगा धड़ाधड़. इसी को तुम कह रहे हो कि ये काम जो करने को तैयार है उसको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलेगा. अल्लाह खैर से अल्लाह. कह रहे नहीं, ये भी हम सिमुलेट करेंगे, और सिमुलेट करने की हमें जरूरत नहीं, खुद खुद होगा. कैसे? कह रहे देखो, अगर मैं कहूँ कि एक जगह पे सोना मिला है
लोग जाएंगे वहां खुदाई स्टार्ट होगी, सोना निकलेगा। अब अभी तो यह हाल होगा कि कोई बंदा दो दफा कुदाल मारेगा सोना निकलेगा, तीन दफा मारेगा सोना निकलेगा, लेकिन पांच साल के बाद जब 20 दफा कुदाल मारेगा शायद एक छोटा जर्रा मिले, 30 साल के बाद बहुत दिनों तक खुदाई करते हैं शायद छोटा सा मिल जाए उसको। वक्त के साथ साथ जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो भूल गया इस तरह बहुत ग्लास रखती है, पहला ग्लास पानी का बहुत सुकून देता है, दूसरा ग्लास थोड़ा ज्यादा देता है, तीसरा ग्लास बिल्कुल, चौथा पीता बोले भाई क्या फाड़ना है, बस वो गया ना काफी है, दैट्स मार्जिनल यूटिलिटी। ईच एडिंग यूनिट डजंट गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी एज इट डिड द फर्स्ट वन। सो वही चीज यहां पर होगी, क्यों? क्योंकि एवरी टाइम this entire blockchain is to be calculated, it will be harder. So every new Bitcoin ki minting will be a harder task. The computers that these miners are running will have to work harder to do this. And this will simulate the same idea as making more money. It's harder to make more money. 100 rupees 10 years ago was much more worth than they are now. So that aspect can happen right now. So how does this entire hashing thingy and all these things work? So to understand that, we need to understand a particular concept in cryptography, and we will understand that in a minute. But before we try and understand that, every person actually has what is known as a private key. Jiske number ki main baat kar raha tha. Wo private key is very hard to calculate. Why? Because it is generated through a function which is referred to as a one-way function. It cannot be reverse engineered. You can't take that number and find out how it was found, because the method of finding those private keys is known, and yet you still can't make a fake. You can't take a key and reverse engineer it. Take examples. It's simple system. It's step. If I take two very large digit prime numbers and I multiply them and I give you the resulting prime number, this rule of maths that two prime numbers multiplied will always give you another prime number. I give you that prime number and I ask you, find me the factors that I used originally to make this prime number. It is going to take you forever to do this, because finding prime numbers is the idea for prime numbers, the beauty of it. शायद आपको याद हो मैथ में मेथड यूज करते थे जो फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100, दैट मेथड इज नोन एज द सीएफ ऑफ अरेस्ट थीम्स। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब ये मुश्किल नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड द बिगर द नंबर गेट्स द हार्डर दिस प्रोसेस विल बिकम, राइट? सो दिस इज व्हाई इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट्स अ वन वे फंक्शन। नाउ हाउ डज दिस होल क्रिप्टोग्राफी थिंगी वर्क्स? वेरी वेरी सिंपल, यू नीड टू गो बैक इन द चैप्टर लिटिल बिट एंड लुक एट दिस डायग्राम, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। जो उस वक्त अलीबा बात कर रही थी वो गलत नहीं कह रही थी, क्योंकि वो उस कोर्स को पढ़ रही है, उसके अंदर हमें एज अ कोर्स का हिस्सा हमने उसको पढ़ा है। There are four basic requirements in any security system. The first is privacy, your confidentiality. Second is integrity, लिखे हुए हैं। Privacy means that nobody else should know about it. ठीक है? Then there is integrity. ये सब, ये जो भी कुछ मैं आप बता रहा हूँ ना, मैं भी ये रिकॉर्ड पे भी है, मैं जो भी कुछ आपको समझा रहा हूँ, ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, इन द सेंस कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सो यू डोंट नीड टू पैनिक। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बिटकॉइन बेटर। ठीक है? सो नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, यू डोंट नीड टू राइट दिस, व्हाट यू रिमेंबर दिस। ठीक है? सो प्राइवेसी टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, की कोई चीज उसके अलावा जिसको नजर आनी चाहिए किसी और को नहीं आनी चाहिए। इंटेग्रिटी इज दैट द इंफॉर्मेशन दैट वाज सेंट वाज नॉट चेंज्ड इन बिटवीन समहाउ। Non-repudiation is neither of the parties jo involved in can deny that this transaction happened. Okay? Authenticity is that I am who I claim I am. Okay? Now let's look at a scenario and then you will be able to understand this is how they actually work. Let's come down here. There are several ways ki jisme ye hota hai. Ye jo aapko abhi main method bata raha hu, mind you, every time you log into your email account, background mein ho raha hota hai. Okay? Jo abhi aapko samjhana hai. Called public key cryptography. Okay, let's take an example. Now, the first example involves a particular key which is called a symmetric key or a private key. What I do is I have a message. I have a particular piece of information that I want to send. Message is a general term for sending a piece of information. The message is buy the stocks for Cisco at this many dollars. Obviously, I want to send this to my stockbroker. I don't want anybody else to read it because I know I have inside information. मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगी। मैंने उसको भेजी और मैंने क्या किया, मैंने ये बात आपको शुरू में बताई कि हर बंदे की दो सेट्स ऑफ कीज होंगे, और सुनते जाना, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की, हर किसी के पास। जब कोई चीज इनक्रिप्ट होगी विद द प्राइवेट की, इट कैन ओनली बी ओपनड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की। उसी बंदे की अगर प्राइवेट की से मैंने लॉक किया तो उसी बंदे की पब्लिक की से खुलेगा। मगर सिचुएशन कुछ यू है कि एवरीबॉडीज प्राइवेट की इज ओनली ओन्ड बाय देम, किसी और के पास
मेरी भी दो प्राइवेट और पब्लिक की एक है, एक पब्लिक की है, फोरम की पब्लिक की, फोरम की प्राइवेट की, तहा की पब्लिक की, तहा की प्राइवेट की, ठीक है, सब की निशानी पब्लिक की, निशानी प्राइवेट की, सारी पब्लिक की समझ लो एक डब्बे के अंदर एक जगह रखी है, मगर सारी प्राइवेट की सब लोगों के पास. नाउ इफ आई वांट टू टेक दैट पीस ऑफ मैसेज एंड इनक्रिप्ट इट, बाय द वे व्हाट्स इनक्रिप्शन, यू शुड हैव आस्क्ड. Encryption is a process where you take anything which is written into plain English or in plain readable form and convert it into a form where it is meaningless to you unless you decrypt it. Encrypt ke opposite decrypt hoti hai, cipher ke opposite decipher hoti hai, encode ke opposite decode hoti hai, sare ko ek hi meaning hai. Sahi hai? Cryptography is the science of encryption and decryption. Theek hai? Now, so basically maine ye message ko kya kiya, ek ajeeb sa kaam kiya. Agar main apni public key se, mujhe mil gaya chuti pe meri hai na, pehla line mein aata apni cheez use karo. Maine apni अपनी पहले अपना काम करा, अपनी प्राइवेट की थी और एक मैसेज को अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर दिया. समझ लो उसको एनालॉजी सोचो कि एक डब्बा लिया, डब्बे में वो पेपर रखा और उसको लॉक लगा दिया अपनी प्राइवेट की से और तारों लेट से बीच में इसके हाथ में लग गया डब्बा. इसको उसको अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक की से पब्लिक की खोल देगी तो काम गई सीक्रेसी, खड्डे में गई सीक्रेसी, इसको तो पता चल गया अंदर क्या लिखा हुआ है. अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो, ये तो मैंने अपनी प्राइवेट की से किया था. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक और काम करते, अब ना मैं डब्बे को अपनी पब्लिक की से लॉक करता हूँ. मैंने उसको डब्बे में रखा और अपनी सॉरी अपनी पब्लिक की से, हाँ उधर से पब्लिक की उठाई लॉक कर दिया. अब तहा को भेजा, तहा के पास आया डब्बा, उस पर लिखा हुआ है लॉक्ड बाय फर्म्स पब्लिक की, मस्ट बी ओपन्ड बाय फर्म्स प्राइवेट की. तहा ने कहा ये कैसे बेवकूफ़ आदमी है, इसकी प्राइवेट की तो इसके पास है, मैं खोलूंगा कैसे उसको, दिस लॉक इज अनलॉकेबल. बड़ा गर्क हो गया. फिर मैंने कहा क्या करूँ यार, आई नीड टू मेक इट सीक्रेट सिंपल. I need to lock this in such a manner that except Taha, nobody should be able to open it. Simple. I should lock this with Taha's public key. So I picked up his public key, put the paper in a box and locked it with his public key and sent it to him. Beech mein isne le liya, ha ha, main khol lungi dobara. Inko mila, us pe to likha hua hai ki ye to sirf Taha ki private key se khulega, kyunki yahi rule hai na. Aapko Taha ki public key kaise lagi? Wo Taha ki public key to sabke paas. Sab ki public key, sab board pe lagi hui. Sab lagi hui, sabke public key, everybody can pick it up and lock it. That's why it's public. Everybody has it. क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि क्या कहा था? रूल क्या था? Corresponding private key से खोलेगा. अगर private key से लॉक हुआ है तो उसी की corresponding public key से खोलेगा. अगर public key से लॉक हुआ है तो उसी की corresponding private key से खोलेगा. तो मैंने इसकी public key से लॉक करके उसको भेजा. आप ताने का ये हुई ना बात, उसने अपनी private key निकाली क्योंकि और कोई नहीं खोल सकता, उसको खोला. मैसेज सीक्रेट अभी भी आला है, बट एक गड़बड़ आ रही सिस्टम में. ये तो चलो ठीक है, कन्फर्म हो गया कि कुछ प्राइवेट है, किसी और ने नहीं पढ़ा. What is the guarantee that in the process that this was happening, either through error or by somebody's hanky-panky, this message didn't change? Plus, what is the guarantee that the sender is actually Khurram? He could have picked up a piece of paper, wrote a message in my style, signed it with my name, put it in a box, public key says ko lock kiya and send it to Taha and Taha sort, ha, sabne bhejao, let's do what he asked me to do. There is no guarantee. There is no guarantee. Pehli cheez to aa gayi jo humne baat ki thi, ke confidentiality to aa gayi. But what about authentication and what about integrity? What if she even changed the message? Not only is she pretending to be me, she also changed my message. What do I do now? I have no way of finding it. Now there is a solution. So ye pehla step, ye to samajh mein aa gaya na, this was only for privacy. Second was possible. Yo, ye to nahi ho sakta. Phir kya kare bhaiya? Phir hum ek cheez karte hain jisko hum kehte hain digital signature. And let's look at how that works. This time, I say, एक काम करते हैं, अगर ये गारंटी चाहिए कि ये मैंने ही भेजा है तो इस डब्बे को एक और डब्बे में रखते हैं. टेक अ बॉक्स, पुट अ पीस ऑफ पेपर इन इट, क्लोज द बॉक्स, लॉक इट विद दिस पब्लिक की. नाउ दिस बॉक्स कैन ओनली बी ओपन बाय हिज प्राइवेट की. सिक्योरिटी कंफर्म, प्राइवेसी गारंटी. पुट इट इन अ बिगर बॉक्स, दिस बॉक्स इनटू अ बिगर बॉक्स. लॉक दिस बॉक्स विद माय प्राइवेट की. व्हाई आर यू डूइंग दैट? बस आई एम डूइंग दैट. व्हाई आर यू डूइंग दैट? बिकॉज़ व्हेन ताहा रिसीव्स दिस and realizes that it's locked with my private key, it will only be opened by my public key. Now, of course, anybody could have opened it, but this also guarantees something, doesn't it? This guarantees that since Khurram is the only one who has his own private key, it must have been he who was the sender. Of course, there's a bigger problem still remaining. This guarantees that I was the sender. This does not guarantee that the message didn't get changed in the bit in between. She could have still picked it up, picked up my public key. इंडिविजुअल इज नोन टू एवरीबडी एल्स, इट्स ऑन अ पब्लिक बोर्ड. एनालॉजी ऐसे नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है.
It's there. These keys are actually numbers. These are mathematical functions. And everybody's private key is only known to them and nobody else. Right? And this is how it is. And oh yes, and the most important rule, that only something that is being locked by a particular private key can only be opened by that same person's corresponding public key and vice versa also. These rules are in my mind, then the Now, us box mein rakke maine apni private key se bheja to ye guarantee ho khuram ne bheja lekin ye guarantee thodi ki baji ne beech mein se liya tha meri public key yahan se uthai thak karke khola kisi tarike se iski private key bhi iske haath lag gayi let's assume aur message change karke isne aage bhej diya integrity abhi bhi guarantee nahi hui abhi bhi do cheeze guarantee hui kaun kaun si privacy guarantee hui aur authentication guarantee hui to ye ho gayi authentication to ho gayi bheja maine ye to guarantee ho gaya na ki maine private key se lock kiya theek hai lekin ye jo private key se maine apni lock kiya hai is cheez ko kehte hai digital signature डिजिटल सिग्नेचर का हरगिज मतलब ये नहीं होता है मैं अपनी साइन की और स्कैन कर दिया ठीक है इसी तरह एक टर्म आई आगे डिजिटल सर्टिफिकेट उसका भी ये मतलब नहीं होता कि मैंने एक सर्टिफिकेट अपना लिया उसको स्कैन करके डाल दिया कंप्यूटर में ठीक है डिजिटल सर्टिफिकेट एक्चुअली बहुत आसान सा इसका एग्जांपल है वीजा जब किसी बैंक को ठप्पा देता है ना ये डिजिटल सर्टिफिकेट होता है एक तरह से टेक्निकली स्पीकिंग नहीं नहीं एक मैसेज लिखा है डब्बे में रखा उस डब्बे को लॉक किया इसकी पब्लिक की खुलेगा किस चीज से अभी इसकी प्राइवेट की गारंटी ऑफ सीक्रेसी हो गई राइट बट नो गारंटी कि ये मैं ही भेज रहा हूं तो मैंने इसको एक बड़े डब्बे में रखा उस डब्बे को अपनी प्राइवेट की से लॉक किया बिल्कुल उसी तरह डाल दिया सोचो पुराने वक्तों में अभी इनफैक्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मैसेज लिखवाते थे उसको रैप किया जाता था उसपे स्टैम्प लगता था जो बहुत मशहूर तस्वीर है घरों में लगी होती है अल्लाह रसूल मोहम्मद उसके सिग्नेचर उसकी जो निशान होता था वो उनकी रिंग पर था उसको ऐसे उस मोम के ऊपर ऐसे करते थे वो स्ट्रेस थे ये सिग्नेट रिंग कहलाती है ये बादशाहों के पास होती है आपको क्या बीच में सारे तो कोई भी तोड़ के पड़ लेगा मगर जब वो टूटा आ जाएगा तो उसको पता होगा कि मैसेज कॉम्प्रोमाइज होगा आपकी जो एग्जांपल है वो हजरत उस्मान के पर्टिकुलर जो चीज मैंने यहाँ पर की उसको एक और डब्बे में रख के अपनी प्राइवेट की से लॉक किया तो ये वही काम हो रहा है ये काम हो रहा है फॉर ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर मगर अभी भी इंटेग्रिटी गारंटी नहीं हुई अगर ये मैसेज किसी वजह से बीच में ट्रांसमिशन के दौरान इस किस्म के अटैक को हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक या स्निफिंग अटैक के बीच में डेटा किसी ने निकाला और चेंज करके फिर आगे भेज दिया वो कैसे पकड़ूं मैं अब गौर से सुनना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन फिर पे अटेंशन आएगा समझ व्हाट इफ आई वांट टू टेक दैट मैसेज एंड यूज अ मैथमेटिकल वन वे फंक्शन एंड फाइंड अ नंबर आउट ऑफ इट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ हैश फंक्शन अगर आपको याद हो आपने वीडियो देखो तो वीडियो में वो दिखाता भी है वो जो मशहूर अंग्रेजी का जुमला है जिसमें सारे अल्फाबेट आते हैं द लेजी ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी ब्राउन डॉग राइट उसने दोनों दिखाए थे और सिर्फ एक फुल स्टॉप के डिफरेंस से दोनों की जो हैश जनरेट हुआ था उसमें जमीन आसमान का फर्क था ठीक है वही लेवल हैश फंक्शन का होता है तो मैंने एक मैसेज दिया और उसका हैश जनरेट ठीक है उस हैश को मैंने भेजा सॉरी उस हैश को भेजने से पहले मैंने क्या किया कि उस मैसेज को इसी तरीके से डब्बे में रखा कहा कि पब्लिक की से उसको लॉक किया दूसरा जो बड़ा वाला डब्बा था उसमें ये जो हैश जनरेट हुआ था छोटा सा एक नंबर जनरेट हुआ था उस कागज को इसी डब्बे में रखा इस डब्बे को अपनी प्राइवेट की से लॉक किया और ताह को भेज दिया ताह के पास पहुंचा ताह ने अपनी पब्लिक मेरी पब्लिक की निकाली उसको लॉक खोला तो अंदर एक कागज का टुकड़ा था उसमें एक नंबर लिखा हुआ था पता नहीं क्या उठा के साइड पर रख दिया दूसरा डब्बा निकाला वो इसकी पब्लिक की से लॉक हुआ था इसने कहा हाँ इसमें मैसेज होगा अपनी प्राइवेट की निकाली इसको खोला अंदर से मैसेज निकला इसने पढ़ लिया कहने लगा पता नहीं ये मैसेज असली है कि नहीं असली है मैंने तहा को समझाया था कि तहा ऐसा होगा कि मैं तुम्हें एक नंबर भेजूंगा ठीक है तुम करना ये कि तुम्हें एक मैथ का एक फंक्शन भी सिखाऊंगा तुम वो जो तुम्हारे पास मैसेज आए ना उसके ऊपर वो मैथ का फंक्शन लगा जब उस मैथ के फंक्शन को लगाओगे तो एक नंबर जनरेट होगा उससे उसके आंसर में एक नंबर आएगा अगर वो नंबर और वो कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ नंबर सेम हो तो समझ जाना मैसेज में कोई गड़बड़ नहीं हुई है लेकिन अगर वो नंबर्स डिफरेंट हो समझ जाना कोई गड़बड़ हुई है फिर उसे दोबारा मैसेज मांगना ये जो आपने लिख कर दिया है ये हैश कहलाता है दिस गारंटीज इंटेग्रिटी तो आप फोन पे नंबर को बताएंगे नहीं 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 इनमें से कोई काम भी फिजिकली नहीं हो रहा होता ये आपके कंप्यूटर खुद कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में ये इसीलिए मैं ये एनालॉजी से समझा ना कोई डब्बे हैं ना कोई एक्चुअल चाबियां हैं दीज आर जस्ट टर्म्स यूज ठीक है क्योंकि इसको वैसे समझाना बहुत मुश्किल है सो ये स्टेप्स यहां लिखे हुए सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू वांट टू सेंड अ मैसेज यू टेक दैट मैसेज एंड यू फाइंड इट्स हैश एंड दिस हैश फंक्शन इज अ वन वे फंक्शन ठीक है
I didn't want to go there because we sports mein bahut sari baatein karte hain. Ab tumhe chhed diya to main bata deta hu. Imitation Game is a movie which is about a person called Alan Turing, and Alan Turing was the guy who actually won us the World War because he decoded a machine used by the Germans. Germans ek kisam ki machine use karte hai, isko Enigma machine kehte hain. Do machine ko exactly ek jaisi setting karte the, jo kuch aap type karte the usko wo different change kar deta tha us har alphabet ko, wo bada complex thi. Aur do pairs of machine exactly same message banate the. Dono ki setting saath karne ke baad jaise ye hai aur main agar generals hai dono army ke, मैं इसका सीनियर ऑफिसर हूँ, ये एक और शहर में गई है, मैं इसको एक मैसेज उस मशीन से लिख के दूंगा, ये अपनी मशीन में लगाएगी तो वो ट्रांसलेशन उसकी समझ में आएगी. Alan Turing was a British guy who was a decoder and a cryptographer and a mathematician. He is also one of the three most important people jinki wajah se modern computer science maujood hai. He is so important that the Nobel Prize in computing is not called the Nobel Prize in computing, it is called the Turing Prize, named after him. Okay? So this guy actually was able to decode this particular device, and hence he is known as the man who won us the World War. Unfortunately, he was also a homosexual, he was gay, and therefore he was prosecuted and he attempted suicide and then he eventually killed himself. Much later in the years, the church apologized that we did this wrong, we should have, you know, let him be, plus the British government apologized only recently. There's a movie about it which I highly recommend to people to watch because it's a brilliant game, a brilliant movie. It's a biopic. Jaise A Beautiful Mind is about John Nash, to economics ka second father kehlata hai. Isi tarah se this is about him. Ek aur film hai called The Theory of Everything, yes, which is about Stephen Hawking. So Alan Turing wo shakhs hai jo unfortunately hum Charles Babbage ko sab jante hain, na koi Alan Turing ko jante hain aur na John von Neumann ko jante hain. John von Neumann wo shakhs hai jiski wajah se aapke computer mein aaj memory maujood hai, warna aapko har dafa program likhne padte, ye store karne ki ability John von Neumann. और एलन ट्यूरिंग ने हमें एक्चुअल कंप्यूटर किस तरह काम करेगा इसकी जो एक्चुअल थ्योरी है, व्हिच इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, वो उसने दी है. तो टेक्निकली द रियल मॉडर्न कंप्यूटर का फादर इज एलन ट्यूरिंग, व्हिच वी डोंट इवन नो द नेम ऑफ, सो सैड, जस्ट बिकॉज ही वाज अ होमोसेक्सुअल, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम जो है दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट. एनीवे, इफ यू गेट अ चांस टू वॉच इट, डू वॉच इट. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. सो उसका प्रिंट नहीं आया, मैं सोच रहा था मैं अच्छे प्रिंट में अभी नहीं. Anyways, well, actually, in fact, film makes scene, and do you know who's playing the John Alan Turing? Benedict Cumberbatch. One of the most painful scenes is Keira Knightley is one of the people he hires in his team because she's a character jo wahan pe hoti hai, and she's able to solve a problem that even Alan can't, and he says ke mujhe to 6 minute lagte, wo 4 minute mein solve karke de deti hai. And one of his friends says, you do realize he has a liking for you, right? He says, that's the problem, I can't tell him, I don't feel the same. See, so it's a very, very interesting film. It's not just about the homosexuality part, it's about the struggle that this guy went through during this time period. Anyway, so let's look at this particular scenario and then we'll wrap up the course. Older message ka hash nikala, us hash ko jisko hum hash digest kehte hain, wo mere paas aa gaya. Maine jisko bhej raha hu uski public key se is hash ko band kiya aur saath mein uske baad apni private key, sorry, apne uski recipient ko maine message ko band kiya और अपनी प्राइवेट की से मैंने इस हैश को बंद किया. सो हैश अलोंग विद दैट मैसेज उस बड़े डब्बे में रखा हुआ है और वो वहां पर से सेंड हो गया. तो साइफर टेक्स्ट प्लस दिस हैश वो मैंने भेजा और उसको साइन कर दिया, इसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्राइवेट की से रखा है. और इंटरनेट के थ्रू वो किया, सेंडर ने अपनी सेंडर की पब्लिक की से उसने उसको खोला, ठीक है, और उसके बाद मेरी पब्लिक की से खोलेगा ना, जब भी तो एक्सरसाइज मिलेगा, मैंने अपनी प्राइवेट की से बंद किया था बड़े वाले डब्बे को, उसने उससे खोला, उसके बाद उसने अपनी प्राइवेट की से मैसेज को खोला, उस मैसेज के ऊपर उसने डिसाइफर किया जो उसको पता है मेथड, उसके बाद उसने हैश लगाया, दोनों मैसेजेस का हैश कंपेयर किया, मैच हो गया, उसने कहा सॉलिड. यही काम पूरा बिटकॉइन की चेन में हो रहा होता है. फॉर एवरी ट्रांजेक्शन द हैशेस आर बीइंग चेक्ड, ठीक है, इसीलिए उसमें उसने बताया भी था कि जो ब्लॉकचेन की कैलकुलेशन है उसके अंदर लूपहोल था. लूपहोल यह था कि somebody could generate a fake one, जिसमें उसने इशू बताया था डबल पेमेंट का. इमेजिन करो उसको रियल वर्ल्ड में, अगर एटीएम इस बेहुदा तरीके से काम करते हैं कि हर बैंक के अंदर वो कैलकुलेट करने में टाइम लगा था, लेट्स से मैं बैंक के अंदर गया, दौड़ता एटीएम में कार्ड लगाया, मेरे पर टोटल 10,000 रुपए, ठीक है, कार्ड लगाया, मैंने कहा 10,000 रुपए निकालो, तो 10,000 रुपए निकाले. अब होता क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, फॉरन इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट में जाती है, लिखवा 10,000 से नहीं, अब इसमें 0, ठीक है. लेकिन अगर लेट्स से वो मैसेज आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बिटकॉइन में क्या होता है, कैलकुलेशन पीछे बैकग्राउंड चेक हो रहा था जब फाइनलाइज होती है. एक्चुअली मैंने किया उसके बाद जल्दी से कार्ड निकाला, दौड़ लगाई, दो गली दूर दूसरे बैंक में घुसा, कार्ड लगाया, थका, जल्दी से वहां से 10,000 रुपए दोबारा निकाल लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैंक में गई नहीं ना अभी तक, पैसे तो मिल गए, डबल पेमेंट हो गई. मैंने ये बिटकॉइन में भी हो रहा था मसला, जिसको उन्होंने सॉल्व इसी से किया कि ये नंबर्स जो है वो जनरेट होते हैं और बैकग्राउंड चेक होता है तब फाइनलाइज होती है पेमेंट. मैंने इसको 5 बिटकॉइन पे किया, इसको भी 5 बिटकॉइन पे कर दी,
और जब तक ट्रेस होगा एक बेचारी भुगते ही है, ये भुगतेगा एक की पेमेंट हो जाएगी, तो मैं एक ही पैसों से दो दफा पे कर दूंगा. But that cannot happen because the record is being maintained in every single person's computer, which is the ledger, plus the fact that these calculations are being traced back all the way to the first Bitcoin. So each of these miners who are actually doing the purpose of verification are paid Bitcoins as a reward. And there will come a time they will no longer be paid any rewards, because the total number of Bitcoins that we will put into circulation is 21 million. I don't know why they chose 21 million. They just did. So that's how it is. Are we clear? Sorry, question. Yes. Sir, hashtag you said this cipher to create, ye computer hi karte hai, to ye to middle mein bhi koi bhi computer create.